नमस्ते नमस्ते सर। ठीक नमस्ते जी, नमस्ते। कैसी हैं आप? है। चलो, सभी लोग प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, कैमरा ऑन कर लीजिए। कम से कम शुरुआत में तो कैमरा शक्ल तो दिखनी चाहिए ना, कौन कौन है नहीं है। जूम यूजर जो है, सर अभी थोड़ा रास्ते में हो, 10 मिनट में कैमरा ऑन करता हूँ। ओके ओके, श्योर श्योर, ठीक है। प्रसाद जी है ना जूम यूजर? बबीता जी नमस्ते। जूम यूजर कहाँ चले गए? प्रसाद ये जी, ट्रेन में है हम लोग अभी। ओके 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 ओके, चलो कोई बात। प्रसाद मुकेश सिन्हा सारे जो है आ रहे हैं, और भी लोग जुड़ते जा रहे हैं। जो लोग जुड़ रहे हैं प्लीज अपना कम से कम कैमरा ऑन कर लीजिए। आज हम पढ़ेंगे सेम चीज लास्ट टाइम जैसे हम लोग पढ़ा था मोबाइल न्यूमरोलॉजी के ऊपर। तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी इज वेरी बहुत कॉम्पैक्ट चीज है। कॉम्पैक्ट मतलब कि एट द एंड ऑफ द कोर्स आपको एक कॉम्पैक्ट सा शीट मिलेगा, जिस शीट के अंदर सारा डिटेल बना रहेगा, और इसको आपको समझने में भी इजी होगा। लेकिन तभी इजी होगा जब ये पूरा कोर्स आप करेंगे। वो एंड में मैं आपको एक कॉम्पैक्ट चीज़ बना के दे दूंगा जो पर्टिकुलरली एकदम परफेक्ट बैठेगा, और उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल सिर्फ ये समझना है आप लोगों को कि इसमें दो तीन बेसिक चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कौन सा नंबर किसका एनिमी है, किसके साथ किसका कॉम्बिनेशन कितना ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि टोटल जो है वो हमारे पास 10 नंबर होते हैं। ठीक, 10 नंबरों को भी हमें समझना पड़ता है कि उन 10 नंबरों में से टोटल कितने पेयर बनेंगे। 9, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड ओपन नहीं हो रहा, छोड़ो मैं पेंट में दिखा देता हूँ, नोट पैड। नोटपैड, ये देखो सिंपल सा नोटपैड मैंने यहाँ पे खोला है। और ऐसा होता है कि जैसे नंबर है, सपोज किसी का नंबर है 9320458 9, छः सात आठ 2 1। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एक तो हो गया देखो इसका पूरा टोटल, एक तो हो गया टोटल। अक्सर जो है हम लोग क्या करते हैं, एक इजी सा नंबर कोई ढूंढते हैं, बड़ा इजी सा जो याद हो जाए, जल्दी से याद हो जाए और लोगों को देने में भी इजी रहे, ऐसा नंबर हम ढूंढते हैं। और लेकिन इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, वो सबका टोटल ऑल टोटल कर लेते हैं। 9 प्लस 3 9 12 12 एंड 13 14 14 एंड 4 18 18 एंड 5 हो गया 2 3 23।
एंड उसके बाद 8 हो गया 31, 31 एंड 9 40, 42, 43, टोटल आ गया 43। अब इसको जब सिंगल डिजिट करेंगे 4 3 7 आ गया 7। ठीक है, नॉर्मली सभी हम लोग यही करते हैं कि टोटल देखते हैं। टोटल जो है हमारे भाग्यांक से, मतलब आपका जो जो भी आपका भाग्यांक है, यानी आपका डेट ऑफ बर्थ, सपोज आपका डेट ऑफ बर्थ 1/2/1989 है, ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ में 1 आ गया आपका मूलांक, मूलांक के साथ मैच करवा लिया कि चलो मूलांक अगर मैच होता है तो अच्छा है, नहीं तो फिर भाग्यांक, जो भी इसका सपोज का टोटल आ गया 5, तो भाग्यांक के साथ मैच हो गया तो अच्छा है, अगर भाग्यांक और मूलांक के साथ मैच नहीं होता है तो नॉर्मली लोग नहीं लेते। ये अभी तक का एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, लोग जो है इस पे काम कर रहे थे। बट इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना, वो होता है पेयर्स को, पेयर्स को कंपेयर करना, जैसे 9 एंड 3, ठीक है, नाइन थ्री, फिर 3 2, फिर 2 0, फिर 0 4, 4 5, 5 8, 8 9, 9 2 एंड 2 1। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? थोड़ा बीच बीच में यस सर बोलते रहना यार, नहीं तो पता चले कि मैं ही बोलता जा रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, एनीवन, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? आप लोग अनम्यूट कीजिए सबसे पहले। एक तो पूरा का पूरा डैशबोर्ड देखो ब्लैक है, कुछ को छोड़कर, नुसरत जी है, मनीष सर कुमार मुझे एक सर। चीज पूछनी थी। हाँ जी, ये अभी आपने मूलांक कहा, डेट ऑफ बर्थ का जो टोटल होता है उसको क्या बोलेंगे? भाग्यांक। भाग्यांक। अच्छा, मैं नोट कर लूं। राइट, जो फर्स्ट नंबर है वो जी मूलांक जी है और जो टोटल अच्छा नंबर है वो भाग्यांक है। ये बड़ा ओके। कॉमन है, आप यूट्यूब में भी देखेंगे तो आपको दिख जाएगा हाँ मूलांक जी, कैसे निकालते हैं, भाग्य कैसे बस निकालते थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है ना उसमें। हैं। हाँ, तो मूलांक क्या करता है, भाग्यांक क्या करता है, वो मैं बता देता हूँ। देखो गुड मूलांक, हाँ कौन बोला? आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अंशा जी सर कैसी हैं? हाँ सर, अगर मूलांक और भाग्यांक दोनों में से मोबाइल टोटल नंबर अगर एमटी निकला तो हुआ, तो वो भी हम नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेना मैडम, बिल्कुल भी नहीं लेना है। न्यूट्रल हो तो ले सकते हैं। न्यूट्रल हो ले सकते हैं, फेवर में हो तो ले सकते हैं। कई ओके बार क्या सर। होता है ना, मूलांक और भाग्यांक का जो कॉमन नंबर है, मतलब मूलांक का भी दोस्त है भाग्यांक का भी दोस्त है, ठीक है, तो कॉमन वाले को हम लोग ले सकते हैं, जी सर। ठीक है, लेकिन एंटी कब भी नहीं लेना। जैसे यहां पर देखो क्या है, 1 का एंटी है 7, नहीं आया, 5 का न्यूट्रल है 7, ठीक है, 5 का न्यूट्रल है 7 लेकिन 1 का एंटी है, सो 1 का भी न्यूट्रल है, सॉरी, तो ये इसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कोशिश ये करो कि 1 आए टोटल या 5 आए टोटल, 1 के लिए भी ये न्यूट्रल है एंड 5 के लिए भी ये न्यूट्रल है, आप भी करना जल्दी इंटरव्यू ठीक है। तो मूलांक और भाग्यांक इसलिए जरूरी होता है, मूलांक क्या होता है, मूलांक जो होता है वो आपका नेचर होता है, आपको भगवान ने किस तरह का स्वभाव दिया है, चरित्र दिया है, वो मूलांक बताता है। अगर मूलांक किसी का 1 है तो ऐसा व्यक्ति पराक्रमी होता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, अपनी जिम्मेदारियों को समझता है, और ऐसे लोग हमेशा ना दूसरों को हेल्प करने में जाता है, और इन लोगों को ये लगता है कि हम अगर हमने दूसरों की हेल्प की तो ये हमारी शान है, आन बान और शान जिसको कहते हैं ना, वो दिखाता है मूलांक 1, ठीक है, मूलांक 1, आन बान और शान। मूलांक 2 का कनेक्शन किससे होता है, मूलांक 1 का कनेक्शन होता है सन के साथ, ठीक है, सन, मूलांक 2 का कनेक्शन होता है मून के साथ, चंद्रमा, ठीक है, इसलिए मूलांक 2 वाले ऑलमोस्ट आप देखेंगे थोड़े इमोशनल होते हैं, दे आर गुड हीलर्स, उनका सबसे प्लस पॉइंट होता है दे आर वेरी वेरी गुड हीलर,
वो दूसरों की मदद करना और हील कर देने की इनके अंदर शक्ति होती है। ठीक है, जो भी लोग किसी भी मंथ के 2 तारीख को, 11 को, 20 को पैदा हुए हो, ऐसे लोगों का और 29 का मूलांक जो है वो 2 आएगा। ठीक है, 20, 29, 11 एंड 2, ये लोग चंद्रमा का इफेक्ट लेकर बैठे हुए हैं। चंद्रमा का काम क्या होता है? हीलिंग का। मूलांक 3 वाले का क्या कनेक्शन बैठता है? ये सब बड़ा बेसिक है, ऑलमोस्ट सबको ये सब जानते हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा जस्ट हैंड बताता हूँ जिनको कुछ नहीं पता, जीरो है मतलब न्यूमरोलॉजी में, उनके लिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। 3 जो है वो बृहस्पति यानी गुरु, यानी जिनका जन्म 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख को हुआ, किसी भी मंथ के 30 को हुआ हो, तो ऐसे लोग मूलांक 3 वाले। मूलांक 3 वालों का क्या गोचर, मतलब क्या उनका गति गोचर कह लीजिए, क्या होता है कि ऐसे लोग स्वाभाविकली, मतलब इनका स्वभाव होता है दूसरों को सजेशन देना, ठीक है, एडवाइस देना, एंड दे आर वेरी गुड एज अ पर्सन, वो बहुत अच्छे होते हैं। प्लस ये लोग नॉलेज सीकर होते हैं, इनको ना जब तक दिन भर में कुछ नया ना सीख लो, कुछ नया ना जान लो, तब तक इनको शांति नहीं मिलती, ये हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो 3 नंबर वाले जो है ये भी बहुत अच्छे एडवाइजर होते हैं, ये अकल्ट में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अकल्ट में हालांकि 1, 2, 3 तीनों ही नंबर बहुत अच्छे होते हैं अकल्ट के लिए, तीनों ही नंबर काफी ज्यादा इंसान को हेल्प करने में, दूसरों को हेल्प करने में ये नंबर की एनर्जी जो है सपोर्ट करती है। इसके बाद आता है 4 नंबर, 4। तो 4 का क्या एनर्जी है? राहु का एनर्जी है। राहु इज बेसिकली व्हाट, जो भी दुनियावी चीजें हैं, आपका ध्यान जिस भी दुनियावी चीजों की ओर जाता है, दैट इज राहु। आपका जो भी चीज आपके आपको अट्रैक्ट कर रही हो, आपको अपनी ओर खींच रही हो, वो खिंचाव जो है वो राहु है। आपका ध्यान जहां जाता है वो राहु है। तो आज के डेट में सबसे ज्यादा ध्यान हमारा कहाँ जाता है? मोबाइल फोन के स्क्रीन पे या लैपटॉप के स्क्रीन पे। तो राहु ऑलवेज आपको खींचता रहता है। ठीक है, राहु राहु का काम में बेसिकली क्या होता है? इल्यूजन क्रिएट करना। ठीक है, दूसरा आविष्कार करना, नई नई चीजों की खोज करना। राहु को कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, चाहे वो उसको जितना आप खिला लो, चाहे उसको जितना नॉलेज दिला लो, वो हमेशा कुछ ना कुछ नया करने के पीछे पड़ा रहता है। तो जो लोग मूलांक 4 वाले हैं, मतलब जिनका जन्म 4 तारीख को, 15 तारीख को, 22 को हुआ हो, ऐसे लोगों का जो मूलांक है वो 4 आएगा। तो ऐसे लोगों के अंदर क्या कंडीशन बनता है? ये सॉरी लोग, सर, हाँ जी, 15 नहीं, 13। ओ सॉरी सॉरी, 13, 13, 15 का तो 66 आ जाएगा, 1 मिनट डिलीट कर दे, 13, 3 और 1, 4। ठीक है, और 22, 22, ये है राहु। राहु का स्वाभाविक रूप से यही नेचर है। राहु वाले के साथ एक और चीज क्या होती है? अपना काम बनता बाण में जाए जनता। बहुत स्ट्रेट ऐसे लोग देखें ना, अपना काम बनना चाहिए, चाहे अगले को लपेट के बनाओ, मक्खन लगा के बनाओ, प्यार प्यार दिखा के बनाओ, प्यार जता के बनाओ, अपना काम बनना चाहिए सबसे पहले। इनकी सबसे पहले प्रायोरिटी होती है कि अपना काम बनना ही चाहिए। ठीक है, बाद में देख लेंगे, जब काम बन गया ठीक है, उसके बाद फिर मुंह घुमाया और चल दिया। ये लोग थोड़े से सेल्फिश होते हैं, थोड़े से नहीं, मैं बोलूंगा जितने भी प्लैनेट में सबसे ज्यादा सेल्फिश प्लैनेट यही है, बट कलयुग के लिए ये बहुत अच्छा प्लैनेट है। कलयुग का आप लोग, अगर मेरा एक चैनल है एस्ट्रो वैदिक कोच नाम से, उसमें मैंने राहु के ऊपर बहुत अच्छा सा लेक्चर दिया है, कलयुग का राजा राहु, और वो सबसे ज्यादा अभी तक का मतलब वायरल वाला वीडियो है, आप देखना जरूर, बड़ा मजा आएगा। तो राहु का कनेक्शन यही है कि 4 नंबर वाले जो है वो बहुत ज्यादा चीजों को मैनिपुलेट भी करना चाहते हैं और कर भी लेते हैं कुछ हद तक, और अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता, ऐसा इनका एटीट्यूड होता है। काम बनाने बन गया, उसके बाद फिर आपसे ज्यादा कोई
आपके ऊपर कोई ज्यादा इंटरेस्ट इनका नहीं रहता। अब आता है 5 नंबर, 5। 5 क्या होता है? मरकरी, बुध, बुध ग्रह यानी बुद्धि, और ये क्या है? बैलेंसर भी है, क्योंकि ये बीच में आता है, 1 से लेके 9 के बीचों बीच ये नंबर आता है। 5 के आगे 4 अंक है, 5 के पीछे 4 अंक। ये जो है सेंटर है, बैलेंसर है, ये हर चीज को बैलेंस करता है। तो अगर आपके लोसो ग्रेड में 5 नंबर नहीं है, इसका मतलब आपका लाइफ बैलेंस नहीं है, ये एकदम प्रमाणित है। लोसो ग्रेड, जब आप देखेंगे लोसो ग्रेड का कनेक्शन जैसा बनता है, कि ऐसे लोगों का जिनका 5 नंबर मिसिंग है, वो लोग जो है अपने लाइफ को किसी भी हालत में बैलेंस नहीं कर पाते। कभी फाइनेंस बिगड़ा रहता है, तो कभी रिलेशनशिप बिगड़ा रहता है, तो कभी कुछ कभी कुछ। ठीक है, 5 नंबर वालों का नेचर क्या होता है? 5 नंबर वालों का नेचर होता है गुड कम्युनिकेशन, ये बात करने में, लोगों को इम्प्रेस करने में बहुत आगे होते हैं, सीखने में। बुध जो है वो लर्निंग है, किसी भी चीज को आपको जल्दी जल्दी ग्रास्पिंग पावर के साथ तुरंत, एक बार सुना याद हो गया, एक बार देखा याद हो गया, मतलब जिसे कहते हैं फोटोग्राफिक मेमोरी, या एक बार में कुछ सुना बहुत अच्छा लगा याद हो गया, परमानेंटली दिमाग के अंदर घुस गया। ठीक है, तो ये चीज जो है मरकरी देता है। बुध जिनका अच्छा है, या 5 नंबर है डेट ऑफ बर्थ के अंदर, या मूलांक 5 आता है, मूलांक 5 आ जाए तो सुपर्ब, बहुत अच्छा। ऐसे लोग का माइंड जो है ना, बहुत जिसको कहते हैं बिजनेस माइंडेड होता है, ये दुनियादारी में क्या चल रहा है उसको समझ के नाप तौल करके अपना काम निकाल लेते हैं। बुध वाले वेरी इंटेलिजेंट, शार्प लर्नर, फास्ट लर्नर, और इनका माइंड जो है बिजनेस में 1 नंबर चलता है। ठीक है, ये ना जाके ये कचड़े से भी सोना निकाल के ला सकते हैं, ये एटीट्यूड इनका होता है। तो जिन जिनका जन्म जो है 5 तारीख को हुआ हो, 14 को हुआ हो, 23 को हुआ हो, ऐसे लोगों का मूलांक आएगा 5। तो 5 नंबर वालों का कनेक्शन ये बनता है, बुद्धिमान होते हैं, ठीक है, चालाक चतुर भी होते हैं, कई मामलों में थोड़े से स्वार्थी भी होते हैं, बट इतना नहीं कि राहु की तरह स्वार्थी बने, बट कुछ कुछ मामलों में जहां पर वो, अगर उनको लगता है कि ये जनहित में अच्छा है, मतलब पब्लिक के लिए अच्छा है, तो वहां पर वो स्वार्थी नहीं बनते, फिर वो दिल खोल के काम करते हैं। बट राहु इज लाइक कि अपना काम बनना चाहिए, बाकी समाज का बने या नहीं बने उतना देखने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है, क्योंकि बुध और राहु दोनों के अंदर चालाकियां बहुत है। ठीक है, राहु इज लाइक सुपरली श्रूट, मतलब इतना श्रूट, धूर्त जिसको कहते हैं हिंदी में, सुपर धूर्त। लेकिन बुध वाला भी कई बार धूर्त होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि वो किस पर्पस के लिए वो धूर्त हो रहा है। ठीक है, इन द पब्लिक इंटरेस्ट कोई काम है, तो फिर वो थोड़ा धूर्त करके लोगों के हित के लिए काम करवा देगा। ठीक है, लेकिन राहु नहीं करेगा ये चीज, ये हमेशा अपना काम करने पे लगा रहता है। ठीक है, अब जाते हैं 6 नंबर, 6। 6 नंबर इज शुक्र। शुक्र क्या होता है? कोई भी चीज जो आप वैल्यू क्रिएट करते हैं, कोई किसी भी चीज के पीछे अगर आप वैल्यू क्रिएट करते हैं, तो बनता है शुक्र। मैं हिंदी में लिखने लग गया, तो आपके लाइफ में कोई भी ऐसी चीज जो वैल्यू क्रिएट करती हो वो शुक्र कहलाता है। लग्जरी देना, लग्जरी को शुक्र कहेंगे। प्रेम, कौन सा प्रेम? जिसको कहते हैं बहुत इंटीमेट लव, बहुत डीप लव, ये शुक्र होता है। इसलिए 6 नंबर वाले जो है ना, किसी भी चीज में, किसी भी चीज से उनका जब लगाव होता है ना, बहुत दिल तक, बहुत अंदर तक लगाव होता है। 6 नंबर वाले के साथ अगर 9 का कॉम्बिनेशन बनता है, तो ये लोग काम के पीछे पागल होते हैं। 6 वाले के साथ 5 का कॉम्बिनेशन होता है, ये लोग बिजनेस के पीछे पागल होते हैं। और किसी का भाग्यांक और मूलांक 6 हो गया, तो भैया शाहरुख खान है, हाथ उठा के हेलो सीधा शाहरुख खान भाई, एकदम कहते नहीं है, हाथ उठाया तुझे देखा सर, तो। हाँ जी, अगर फॉर एग्जांपल अभी जैसे 6 की बात कर रहे हैं तो 15, ठीक है, 1 और 5, लाइक 1 सन से आ रहा है एंड 5 इज ऑफ बुध, तो ये मिलाकर अगर 6 आ रहा है, सो
इनका जो क्वालिटीज रहेगा मोर ऑफ किसका रहेगा, सन का या बुध का, या ओवरऑल कैसे कंसीडर करेंगे नहीं हम? नहीं वो उसमें उसमें वो वाला एट्रीब्यूट डालना ही नहीं है, ओके 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 वो ओके नहीं डालना, ठीक है? वो डाल लोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये एक्चुअली क्या होना, हमें मूलांक भाग्यांक निकालने का प्रोसेस ये है कि हमें सिंगल डिजिट पे आना है, एक किसी डिजिट पे आना है, हम डबल को नहीं लेंगे, डबल को कभी कंसिडर नहीं करेंगे। नहीं, लाइक फॉर एग्जांपल अभी जैसे 2 डिजिट है, ठीक है, 6 है तो मान सकते हैं कि शुक्र प्लेनेट है, बट अगर जैसे फॉर एग्जांपल 15 हो गया या कोई और नंबर हो गया, तो 2 डिजिट जब आ रहे हैं तो हमको जो वो ऐड करके जो उसका टोटल आएगा वही कंसीडर करेंगे, राइट? राइट राइट फर्स्ट 2 डिजिट को नहीं कंसीडर करेंगे कि वो नहीं, कहाँ से आ रहे हैं, हाँ वो नहीं कंसिडर करते, ठीक इनका है? टोटल लेते हैं हमेशा, टोटल जब भी मूलांक ओके भाग्यांक निकालते हैं तो सिंगल डिजिट पे टोटल करके लेते हैं इसको, ठीक ठीक है, है? फाइन, ठीक है, 6, 15 एंड 24, इन इन डेट्स में अगर किसी महीने में इंसान जन्म लेता है तो शुक्र होता है। तो शुक्र का काम बेसिकली क्या है ना, ये हर चीज में सुंदरता ढूंढता है। ऐसा व्यक्ति आपको लगेगा कि जब तक वो उसको उसके आंखों को नहीं भाता, उसके मन को नहीं भाता, ठीक है, उसके कॉन्शियस ब्रेन को सुंदर नहीं दिखता वो दृश्य, तब तक वो ना उसके प्रति इनका खिंचाव नहीं आता, ठीक है? तो एक तरह से ये लोग थोड़े से परफेक्शनिस्ट भी होते हैं। बट इनके साथ एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि ये 5 रुपये बचाने के चक्कर में 100 रुपये खर्च कर देते हैं, ठीक है? एक ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है, बट अदरवाइज शुक्र इज लाइक कि परफेक्शन पे जाना है, परफेक्शन में जाने के लिए जो करना है करो। थोड़ा सा खर्चीला भी होता है, 6 नंबर वाले थोड़े से ज्यादा ओवर एक्सपेंसिव भी हो जाते हैं कई बार, ठीक है? अब आते हैं 7, 7, डिलीट कर ले पहले, बहुत भर गया है। 7, 7 नंबर, 7 क्या है? केतु। तो केतु का कनेक्शन किससे बैठता है? केतु जो है वो सीधा सीधा आइसोलेशन और चीजों को अपने हिसाब से चलाना इनको पसंद है, राहु की तरह ही है, बट मतलब ऐसे केतु प्रधान लोगों के अंदर ये एटीट्यूड आपको दिखेगा, ये लोग बोलते कम है, अब बस अपने काम में चुपचाप लगे रहे, इसलिए इनके सामने आप बड़बड़ बड़बड़ बोलते रहो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने हिसाब से जैसा उनको सही लगता वो करेंगे बिना बोले, ठीक है? ऐसे लोग पीसफुल होते हैं, काम होते हैं, बस इनके साथ एक ही समस्या क्या होती है, ये लोग थोड़े से एक्सप्रेसिव भी कम होते हैं, वैसे तो कम बोलते ही हैं, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते, ठीक है? इसलिए कई बार देखना जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, ऑटिज्म जिनको होता है, उनके कुंडली में अक्सर केतु के साथ मरकरी का कनेक्शन बैठता है कहीं ना कहीं, तो बच्चे को ना लेट से बात करना या अपने बात को एक्सप्रेस करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। बट केतु जो है ना, ये अकल्ट का नॉलेज भी है, इसको हम लोग कहते हैं अकल्ट का नॉलेज, जो स्पेस एलिमेंट से आता है, यानी कि एकदम ब्रह्मांड से आता हुआ है, ऐसे लोगों को बहुत जल्दी ही अकल की नॉलेज समझ में आती है। ये लोग ना चीजों को फील करते ज्यादा है, अंडरस्टैंड तो करते हैं लेकिन फीलिंग के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। हाँ जी शिफा जी बोलिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी 6 की जब आप बात कर रहे थे, क्या हम लाइक लग्जरी मनी, तो हम क्या इसको स्पिरिचुअल नंबर मान सकते हैं छे को ओकल्ट के लिए? हाँ नॉट दैट मच, ठीक है, कुछ हद तक कर सकते हैं लेकिन पूरी तरह से इसको नहीं लेंगे, पूरी तरह से सिक्स नहीं रही। नहीं लेंगे, क्योंकि सिक्स जो है वो मटेरियलिस्टिक चीजों को दिखाता है, ऐसे लोग मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे ज्यादा भागते हैं, ठीक है? अकल्ट अकल्ट के लिए सिर्फ 1, 2, 3, 7, 1, 2, 3 एंड 7, ये अकल्ट का नंबर है, ओके ओके ठीक है सर, ठीक है, फाइन। ठीक है? नेक्स्ट है 25। तो जो लोग किसी भी महीने में 7, 16 या 25 तारीख को जिनका जन्म होता है, ये जो है केतु प्रधान होते हैं, ये थोड़े से लेस एक्सप्रेसिव होते हैं, बट नॉलेज लेने में या किसी भी चीज को समझने में इनकी अंडरस्टैंडिंग अलग लेवल की होती है, मतलब ये लोग चीजों को ना सिर्फ ऐसा नहीं कि पढ़ के सुन लिया समझ लिया, ये ना चीजों को बहुत डीपली जाकर समझना चाहते हैं और समझते भी हैं, ठीक है? इनका इंट्यूशन लेवल बहुत हाई हाई क्लास का होता है, इतना हाई होता है कि राहु को भी नहीं समझ में आएगा कि केतु क्या सोच रहा है। अक्सर आपको दिखेंगे ना ऐसे लोगों को, हमेशा क्या होता है ना, राहु किसके सामने झुकता है? राहु झुकता है केतु के सामने, राहु कभी भी
किसी दूसरे प्लैनेट को नहीं वो करता, कंसिडर करता, बट केतु सामने आते हैं ना, उसका ऐसा लगेगा पता नहीं मेरा प्राण आ गया, मतलब मेरा सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट फ्रेंड जो है, सबसे ज्यादा प्रियजन जो है वो केतु है। तो इसलिए अक्सर आप देखेंगे जो लोग बड़े नेता होते हैं या उद्योगपति होते हैं वो कहाँ जाके सर झुकाते हैं, स्पिरिचुअल गुरुज के पास, ठीक है, कि कोई ना कोई बाबा जी है, कोई ना कोई जो संत महात्मा है उनके सामने आके पैर झुकाते हैं, सॉरी सर झुकाते हैं, और जिस पैर पड़ते हैं मतलब उनके, और जिसमें उनको आशीर्वाद भी मिल जाता है। तो राहु से कई गुना ज्यादा पावरफुल केतु है। हम लोग अक्सर उल्टा कंसिडर करते हैं कि राहु चीजों को, वर्ल्डली चीजों को देने में हेल्प करता है, बट मैंने ऐसा देखा है कि केतु ने, मतलब केतु ने जब देना चालू किया है उसकी दशा अंतर दशा में, तो लिमिटलेस है, मतलब कहाँ से आ रहा है, कैसे हो रहा है, नो आइडिया, बट हो रहा है, ठीक है। क्योंकि केतु इज क्या होता है ना, जैसे आप लोगों ने अभी तक वो देखा होगा डिस्कवरी चैनल या कहीं पे, जो ब्लैक होल के बारे में लोग बात करते हैं ना, तो ब्लैक होल इज बेसिकली अ होल जिसके अंदर सिर्फ डार्कनेस है, ठीक है, लेकिन व्हाइट होल भी होना चाहिए ना फिर, जब ब्लैक होल है तो। हाँ, तो ब्लैक होल इज अ पाथवे जहां से, जिसके थ्रू हम ब्रह्मांडों की के रास्ते को बहुत शॉर्टली वो जा सकते हैं, बहुत हाई ग्रेविटी होता है जिसमें इवन लाइट भी बाहर रिफ्लेक्ट नहीं होता है। तो ब्लैक होल इज बेसिकली केतु जो चीजों को अंदर सकिंग करता है, ठीक है, और उसी का जो नेक्स्ट होल है, मतलब वो कहीं ना कहीं सकिंग हो रहा है तो कहीं ना कहीं बाहर भी हो रहा है, एग्जॉस्ट भी हो रहा है ना, तो वो जो एग्जॉस्ट होता है वो व्हाइट होल होता है, और वो होता है राहु का काम। तो इसलिए कहा गया है कि ब्लैक होल का बहुत ज्यादा जो कनेक्शन है वो डायरेक्टली केतु के साथ है। तो आप देखेंगे कि डार्क मैटर लेकर बहुत ज्यादा लोगों ने मेटाफिजिक्स के ऊपर बहुत बातें की हैं, डार्क मैटर्स, कि कोई जो है एक ऐसा कुछ है जो प्लैनेट एंड तारों के बीच में एक वो पैदा करता है, तो वो है केतु, जो विजिबल नहीं है लेकिन सबसे ज्यादा पावरफुल है, सबसे ज्यादा, ठीक है। फिर आता है 8 नंबर, 8 है शनि। मैं थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकली ज्यादा उसमें इन्वॉल्व हो जाना, क्योंकि केतु को जब मैं एक्सप्लेन करता हूँ ना बहुत मजा आता है, मतलब अनलिमिटेड एनर्जी है केतु, ठीक है। शनि सैटर्न, ठीक है, सैटर्न का काम क्या है, शनि का काम सिर्फ और सिर्फ यह है कि आपने क्या काम किया, कर्म किया, उस कर्म का रिजल्ट देना। शनि अपने आप में एक कर्म है, लेकिन शनि इज ऑल्सो जो आपने अपने पूरे लाइफ टाइम में या इस लाइफ में या पास्ट लाइफ में जो भी काम किया उसका रिजल्ट देना भी शनि का काम है। ये जो है न्यायाधीश है कि आपने कैसा कर्म किया है और आपको कैसा रिजल्ट मिलेगा, वो शनि देंगे, और इसीलिए थोड़ा सा इसको क्रूर ग्रह भी कहा गया है, और सब डरते भी हैं इनसे, ठीक है। तो शनि बेसिकली 8 नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और 8 क्या है, इनफाइनाइट, राइट, 8 नंबर जो है क्या है, वो इनफाइनाइट है। तो शनि भी अनलिमिटेड देता है, अगर आपके कर्म बहुत अच्छे हैं तो शनि उसको, जो हम लोग 7.5 कहते हैं ना, 7.5 ही, 7.5 साल के लिए आता है, तो समझ लो कि शनि उसको 7.5 गुना करके देगा। आप लोगों ने कितना ऑब्जर्व किया नहीं पता मुझे, 7.5 ही के पहले 2 चरण जो होते हैं उसमें व्यक्ति को सबसे ज्यादा दुख झेलना पड़ता है, राइट, और आखिरी का जो 2.5 साल होता है फिर धीरे धीरे वो दुख से निकलता है। जिस दिन 7.5 ही खत्म होती है, खत्म मतलब एकदम आउट, उस दिन से शनि महाराज ने आपसे जो जो लिया, सिर्फ लिविंग बींग्स को छोड़कर, मतलब कई बार माँ बाप भी चले जाते हैं या कोई बहुत क्लोज व्यक्ति चला जाता है, लिविंग बींग्स को छोड़कर, फाइनेंशियली कोई भी पैसा डूब गया हो 7.5 ही में, बहुत ज्यादा दुखी हो रहे हो, आपको 7.5 ही खत्म होगा, जितना डूबा था वो सूद समेत आएगा, भले ही जहां डूबा उस वहां से ना आए, कहीं और से आ जाएगा। शनि का काम यही है कि वो आपसे पहले लेंगे, ठीक है, आपको बहुत तड़पाएंगे, घिसेंगे, बिल्कुल घिस घिस के, इसको कहते हैं एकदम रॉ फॉर्म पे ले आते हैं, इसलिए लेके आते हैं क्योंकि जब वो देना चालू करेंगे तो आप जो है एक्टिव रहे, ठीक है, आप रिसीव करने के लायक वो बनाते हैं। इसलिए 8 नंबर जो कहते हैं, इनफाइनाइट भी कहते हैं, बट इसका एक ही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि अगर शनि को आपने, मतलब कर्म को आपने ठीक नहीं किया, आप आलस में पड़े रहे या गलत काम कर रहे हैं, लोगों को मार पीट रहे हैं, लोगों से पैसा हथिया रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में शनि बहुत ज्यादा बुरा फल देता है। इसलिए 8 नंबर वालों को हमेशा
अपने काम पे लगे रहना होता है। 8 नंबर वाले अगर किसी दूसरे के काम के पीछे उंगली करते हैं, षड्यंत्र करते हैं, तो उसका बैकफायर बहुत गंदा मिलता है उनको, बहुत गंदा बैकफायर मिलता है। लेकिन शनि वाले अगर सर झुका के अपना काम निरंतर करते हैं, तो यही चीज उनके लाइफ में ब्लास्ट देता है। ब्लास्ट मतलब गुड ब्लास्ट, एकदम एकदम से तरक्की देते हैं, धड़ाधड़ इंसान फिर ऊपर की ओर उठता है। ठीक है, तो किसी भी महीने के 8, 17 और 26 को पैदा होने वाला व्यक्ति, उसका मूलांक 8 आएगा। ठीक है, 9 नंबर मंगल का है, जिसको हम लोग पूर्ण अंक बोलते हैं। पूर्णांक मतलब कंप्लीट, 9 इज अ कंप्लीट नंबर, क्योंकि ये फुल एनर्जी को लेकर आता है, और इसका जो लॉर्ड है वो है मंगल। मंगल का काम क्या है? मंगल जो है वो आपकी एनर्जी है, कोई भी एनर्जी, जिस एनर्जी से आप फिजिकल वर्क करते हैं, बहुत तेजी से सोच सकते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति का मंगल अच्छा है ना, तो वो व्यक्ति ना ट्रोमेटिक सिचुएशन बहुत अच्छा हैंडल करता है। ट्रोमेटिक सिचुएशन जैसे अचानक से एक्सीडेंट हो गया, अचानक से कुछ ऐसी चीजें हो गई, उस चीज को एकदम संभालना, ये मंगल के बाद मंगल के बस का है, और कोई प्लैनेट नहीं कर सकता। अगर किसी के व्यक्ति का मंगल खराब है, तो वो ट्रोमेटिक सिचुएशन में उसके हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे, वो संभाल नहीं पाएगा अपने आप। ठीक है, मंगल हिम्मत है, साहस है। तो शनि के 7.5 या शनि के प्रभावों से बचने के लिए एकमात्र मंगल ही आपको हेल्प करता है, क्योंकि मंगल आपको साहस देता है, मंगल आपको एनर्जी देता है, जिससे आप शनि की वजह से जो आपके अंदर लेजीनेस आ गया है, डमनेस आ गया है, उससे निकालता है। इसलिए मंगल इज जो है, मंगल जो है बहुत ज्यादा पावरफुल प्लैनेट है, जो आपके एनर्जी सोर्स को दिखाता है। और जिस व्यक्ति का मूलांक 9 9 है, ऐसे लोगों का एनर्जी लेवल देखना, सुबह से शाम तक खत्म ही नहीं होता, मतलब हाइपर एक्टिविटी। 9 नंबर के बच्चों को आप देख लेना, हाइपर एक्टिव रहते हैं, वो कभी भी शांति से वो बैठेंगे ही नहीं, कुछ ना कुछ, एक खत्म हुआ दूसरा काम, दूसरा खत्म हुआ तीसरा काम, उनको बैठना मजा नहीं आता, उनको काम करते रहना, उछल कूद करते रहना, उधम मचाना है। ठीक है, बच्चों में अगर बच्चा उधम नहीं मचा रहा, इसका मतलब मंगल उसका गड़बड़ है। चुपचाप शांत बच्चा बैठा हुआ, इसका मतलब लोचा है भाई। बच्चा अगर बदमाशी ना करे, तो फिर कैसे, मतलब फिर वो बच्चा कंसिडर नहीं होता, ऐसा लगता है कि वो पहले ही मच्योर हो गया। ठीक है, तो मंगल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जिसके भी आगे और पीछे लगता है, किसी भी नंबर के आगे और पीछे लगता है, अगर आगे लग गया तो अपना प्रभाव डालेगा पीछे वाले नंबर को, अगर पीछे लग गया तो आगे वाले नंबर को पुश करेगा, इसकी एनर्जी वो होती है। बहुत अच्छा ये है। और देखिए, कई नंबरों में ना आपको मल्टीपल 9 मिलेगा, जैसे हमारे गुरुजी ज्ञान के एक नंबर में है मल्टीपल 9। तो मल्टीपल 9 जिस किसी भी के भी फोन नंबर पे आता है, वो फोन नंबर भी हाइपर एक्टिव हो जाता है, उसमें बाकी नंबरों के मुकाबले ज्यादा कॉल आते हैं, और वो नंबर जो हैंडल करता है, वो व्यक्ति भी, उसकी एक्टिविटी भी बहुत ज्यादा हाइपर हो जाती है। ठीक है, सर ये आपने कहा ना कि नंबर 9 आगे या पीछे लग जाए, तो सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है, जैसे 9 8 से बहुत सारे नंबर शुरू होते हैं ना, 9 8, तो क्या हुआ, 8 के आगे लग गया, तो इसका मतलब मंगल जो है शनि को डोमिनेट करेगा। ठीक है, और बहुत सारे नंबर ऐसे भी हैं 8 9, है ना, तो मंगल जो है शनि को बैकअप देगा आगे बढ़ने के। ठीक है, कि वो ये पीछे से ट्रेन के धक्का इंजन देने वाला काम करता है। लगा। यस, ये है। वैसे 8 9 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नहीं कहते, ऐसे लोग बहुत ज्यादा तार्किक होते हैं, क्योंकि तर्क, देखो मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन कैसा बैठता है, ये लोग हमेशा ना, मंगल शनि हमारे एस्ट्रोलॉजिकल फॉर्मेट में अगर देखा जाए, तो मंगल शनि जिस राशि में बैठते हैं, वहां पर कुछ ना कुछ लोचा होता है, बट उस राशि की एनर्जी बहुत हाई होती। जहां पर युद्ध हो रहा हो, वहां की एनर्जी तो ऑब्वियसली हाई होगी, बट हमेशा युद्ध हो ऐसा नहीं। मंगल शनि जो है किसी भी टेक्निकल चीजों को बहुत अच्छा हैंडल करता है। जिनका नंबर 9 8 से या 8 9 से शुरू हो, दे आर टेक्निकली वेरी साउंड। ठीक है, वो नहीं भी होते तो भी हो जाते हैं इस नंबर को यूज करने की वजह से। ठीक है,
अब देखो मैं आप लोगों को एनिमी नंबर्स लिखा देता हूँ, ठीक है? एनिमी नंबर किसका कौन सा है, इसको डिलीट कर ले पहले, लिख लो आप लोग एनिमी नंबर। एक वन का एनिमी नंबर, वन का अभी तक का सबसे, जिसको कहते हैं कि पावरफुल, वन इज शुरू है ना, ये शुरुआत है एक नंबर, तो इसके इसके इसका सबसे बड़ा एंटी कौन सा होगा, होना चाहिए राहु केतु को होना चाहिए, बट न्यूमरोलॉजी में ये नहीं आता। वन का जो सबसे ज्यादा हार्डकोर एनिमी है वो है एट, शनि। राहु केतु को तो फिर भी ये संभाल लेता है, लेकिन ये शनि को से इसका फुल एंटी अच्छा नहीं है। कभी भी किसी के भी कुंडली में अगर एट ए, वन एट या सॉरी कुंडली कह रहा हूँ, ये कुंडली पढ़ाते पढ़ाते हमेशा कुंडली निकल गया। अगर आपके किसी के मोबाइल में एक और आठ का कॉम्बिनेशन बना है, या आठ पहले है या एक पहले, तो ये प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है? ऐसे लोगों को ईगो ईगो बहुत ज्यादा आ जाता है, वो अपनी बात को हमेशा रखना चाहते, दूसरों की नहीं सुनेंगे, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो, दूसरों को वैल्यू कम देते हैं। तो एट का सबसे हार्ड कोर एनिमी है वो है वह सॉरी वन का सबसे हार्ड कोर एनिमी जो है वो है आठ, टू का भी हार्ड कोर एनिमी आठ ही है। क्यों है? टू का, टू इज इमोशनल, बहुत इमोशन, एंड आठ नंबर इज वेरी रूड, ठीक है? क्योंकि ये किसी को नहीं बख्शता, चाहे राजा हो या रंक हो, ये किसी को नहीं बख्शता। ये इसको इसको सीधा फॉर्मूला आता है, तुमने खराब किया है तुमको खराब मिलेगा, तुमने अच्छा किया है तुमको अच्छा मिलेगा। जो रूल मिडिल ईस्ट में चलता है, वहां वहां सबसे ज्यादा क्राइम इसलिए कम है, जिसने बदमाशी की सबको बुलाया, बीच सड़क पे खड़ा किया, शूट किया, आंख के बदले आंख, जान के बदले जान, और बाकी चीजों के बदले उसका जो भी है ऑल्टरनेटिव, वही। तो इस वजह से वहां के लोग डरते हैं कोई भी किसी भी तरह का कोई भी क्राइम करने में, ठीक है? तो मिडिल ईस्ट का जो मतलब वो है ना लॉ एंड ऑर्डर, वो सैटर्न से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग गवर्न है और बहुत क्लियर है, वहां किसी चीज का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो इसलिए दो जो है इमोशनल है, उनका भी हार्ड कोर एनिमी जो है वो एट है। थ्री, तीन नंबर, तीन नंबर क्या है? बृहस्पति, जुपिटर ठीक है? ये स्पिरिचुअलिज्म की बात करेगा, ये कंपैशन की बात करेगा, हेल्प की बात करेगा, ज्ञान देने की बात करेगा। इसका जो हार्डकोर एनिमी है वो है सिक्स, ठीक है? क्यों सिक्स? सिक्स जो है सिर्फ और सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों के बारे में बात करता है। सिक्स को कोई अध्यात्म अध्यात्म लेना देना नहीं है भैया, पैसा कमाओ, मौज करो, ऐश करो, इतना मत सोचो। जरा डबल सिक्स हो गए तो बस शाहरुख खान बन गया, आगे कुछ मत सोचो, फुल रोमांटिक, फुल पैसा कमाओ, रोमांस में खर्च करो, ठीक है? अपने पार्टनर के पीछे खर्च करो। तो तीन का जो हार्ड कोर एनिमी है वो है सिक्स। अब आते हैं चार, राहु। तो राहु का एज सच बहुत ज्यादा हार्ड कोर एनिमी कोई नहीं है इसमें, अपने मोबाइल न्यूमरोलॉजी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, मोबाइल न्यूमरोलॉजी के हिसाब से चार नंबर का कोई हार्ड कोर एनिमी नहीं है। लेकिन चार नंबर खुद दूसरों के लिए हार्ड कोर हो सकता है, बट चार का खुद का कोई ऐसा एकदम हार्ड वो नहीं है। पांच नंबर का भी कोई हार्ड कोर एनिमी नहीं है, जीरो, क्योंकि पांच नंबर जो है वो न्यूट्रल है, वो ऑलमोस्ट हर किसी के साथ बैलेंस कर लेता है, कुछ कुछ के साथ थोड़ा सा एंटी इश्यूज देता है, जो हम आगे पढ़ेंगे कि पेयर वाइज पांच एक के साथ कैसा कॉम्बिनेशन है, पांच दो के साथ कैसा कॉम्बिनेशन है, तीन के साथ, चार के साथ कैसा कॉम्बिनेशन है, वो क्या क्या इश्यूज देता है और क्या क्या रिजल्ट्स आपके लाइफ में मतलब उसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है? अब आते हैं छः, सिक्स, सिक्स, थ्री का सिक्स था वैसे ही, सिक्स का थ्री। छः नंबर का जो एनिमी है, हार्ड कोर एनिमी है, वो है तीन, ठीक है? सेवन, सेवन का कोई हार्ड कोर एनिमी नहीं है, ये भी एक न्यूट्रल टाइप है, ये हर किसी के साथ मिला जुला के चलता है, ठीक है? फिर आते हैं आठ,
आठ का हार्ड कोर एनिमी कौन सा है? वन एंड टू, वन एंड टू, क्योंकि इस वन एंड टू का एट है, तो ये इसमें भी इसका ऑपोजिट जस्ट आठ का हार्ड कोर एनिमी वन एंड टू। ये कभी भी मतलब कभी भी पेयर में आपको 1 8 1 1 8 या 8 2 2 8 आ जाए तो बहुत अच्छा नहीं होता, ये डिप्रेशन क्रिएट करता है। ठीक है, डिप्रेशन बहुत ज्यादा इंसान हो ना, ऐसे लोगों के पास ऐसे कॉल्स आते हैं जो रोने धोने वाले, या फिर रिजेक्शन आना बहुत ज्यादा। 8 2 का कॉम्बिनेशन क्या हुआ? सिद्धिया क्या सिद्धिदा जी क्या हुआ? अचानक सांस पड़ी। 8 2 है क्या आपके उसमें? इसीलिए एट टू, ठीक है, 8 2 वाला कॉम्बिनेशन बहुत डेंजरस है। एक मेरे दोस्त पहले वाले नंबर में था, उस नंबर में हमेशा ऐसे कॉल आते थे, सर मेरा जिंदगी में कुछ नहीं बचा है, डिप्रेशन वाले कॉल, मैं क्या करूं, आप ही मेरे लास्ट क्या उम्मीद है, आप ही है, आप जो बचाना है आप ही बचा लो मुझे। ठीक है, इवन ऐसे भी आया कि सर आज मैं शाम को सुसाइड करने वाला हूँ, ये मेरे को सामने से बोले लोगों। मैं क्या बोल रहे यार, सबसे पहले मैं बोलता है मोबाइल नंबर चेंज करो, पहले आपने अपना बेड़ा घर खुद के घर कर करके कर रखा हुआ। एक ऐसा था लास्ट में 2 8 8 2, भाई साहब जिंदा कैसे बचे हो अभी भी तुम? ठीक है, तो ये हालत है, तो ये बहुत अच्छा नंबर नहीं होता 8 2। 8 2 इज सुपर डिप्रेसिव नंबर, ये डिप्रेशन देता है। ठीक है, और ये अक्सर आपको ना रोड़े अटकाता है, जो भी काम आप करने की सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, शुरू भी कर रहे हैं, बीच में कहीं पे आके अटक गया। सिली पॉइंट्स, मतलब नहीं अटकना चाहिए, लोगों का हो रहा है आपका नहीं हो रहा है, और गुस्सा आता है उससे कि अरे यार इतना मेहनत कर रहे हैं और हमारा नहीं हो रहा है, जब जिनको कुछ आता ही नहीं उनका हो जाता है, हमें आता है फिर हमारा को कोई कंसिडर ही नहीं कर रहा है, ये कंडीशन बना देता है। ठीक है, 9 का भी एज सच कोई बहुत ज्यादा हार्ड कोर एनिमी नहीं है, कि 9 सबके साथ मिला जुला के चलता है, यानी 4 5 7 एंड 9, ये चार ऐसे नंबर है जिसका कोई एनिमी नहीं है, ये नॉर्मली न्यूट्रल वाइज हर किसी के साथ मिला जुला के निपट लेता है। ठीक है, तो आप लोग अपने अपने मोबाइल फोन में चेक करो कि हार्ड कोर एनिमी के साथ कॉम्बिनेशन कैस किसका है, जैसे 1 एंड 8 और 8 एंड 1, ठीक है, सेकंड 2 एंड 8 और 8 एंड 2, दीज आर द बैड कॉम्बिनेशन। ठीक है, 3 एंड 6 और 6 एंड 3, ठीक है, 4 का तो है नहीं, 4 में भी है बहुत सारे से, 4 एंड 5 इज नॉट गुड। ठीक है, जो हम कॉम्बिनेशन में पढ़ेंगे इसको हम लोग थोड़ा सा, क्योंकि इतना ही बुरा नहीं है, बट 4 5 का आने से क्या होता है, ये अचानक से छोटी छोटी दुर्घटनाएं देता है, मतलब छोटे छोटे फॉल्टी चीजें आप लाइफ में करते हैं जिसकी वजह से आपका बड़ा काम अटक सकता है। ठीक है, 7 का ऐसा कुछ नहीं है, 8 का जो कॉम्बिनेशन बताया 8 एंड 1 8 एंड 2, मेनली जो है ये जो है वो थोड़े से मेलिफिक वाले कॉम्बिनेशन बना देता है। ठीक है, तो अगर आपके आप देखिए आपने अपने मोबाइल नंबरों में ये वाला कॉम्बिनेशन है कि नहीं, अगर है तो भैया सोच लो और जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके बदलो। ठीक है, अच्छा नहीं तो इश्यूज देता है, बहुत इश्यूज। वोडाफोन में मिल जाएगा मैडम, थोड़ा सा बैठना पड़ेगा, पूरा पहले कोर्स कर लो कंप्लीट करके, करने के बाद एक नंबर लेना लेकिन पोस्ट पेड लेना, तभी वो एंटरटेन करते हैं। अगर आप बोलोगे प्रीपेड लेने के लिए, नहीं देंगे, एंटरटेन ही नहीं करेंगे प्रीपेड के लिए, इतना बैठ के नंबर निकालना। ठीक है, अगर नंबर आप लोगों को चेंज करना है तो आपको वोडाफोन स्टोर में जाना है, और किसी स्टोर में नहीं मिलता, और ये वोडाफोन वालों को बहुत अच्छे से पता है, ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है ये चीज़, और वो अभी सिस्टम से जनरेट करते हैं, मतलब अगर आप जाके बात करते हैं उनसे तो वो सिस्टम से जनरेट करते हैं। यस सर, फर्नांडिस जी सर, बोलिए। सर हाँ हाँ जी, मेरा है 9 8 डबल 3 7 डबल 3 डबल 1 7, टोटल आ रहा है 9। ठीक है, 1 1 7 ठीक है, बट ये एक्सटर्नल अफेयर दे देता है, मतलब बाहर भी अफेयर्स, शादी भी है और बाहर भी अफेयर बनने चालू हो जाते हैं थोड़ा सा। नहीं, ऐसा कुछ है नहीं नहीं ठीक अभी है, फिलहाल अगर तो नहीं आप, है अभी हाँ आप अभी फिलहाल नहीं है तो अच्छी बात है, ये मतलब आप कंसिडर इसको चला सकते हैं, बट कहीं ना कहीं आके ऐसा
आ जाता है इन्वायरमेंट, कभी कभार बन जाता है ये वाला, ठीक है। वैसे ठीक है, मतलब और सेवन ओके वन का कोई बैड कॉम्बिनेशन नहीं है, ये एक तरह से न्यूट्रल कॉम्बिनेशन में ही आता है, बस आप खुद ठीक हैं तो बाकी सब ओके ठीक है। बराबर सर, हाँ थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। यस यस पूछिए। सर कैसे मोबाइल का कैलकुलेशन हमें कैसे करना है? मतलब जैसे कि एक कोड तो रहता है स्टार्टिंग से, जो कि मतलब एयरटेल हो गया या फिर वोडाफोन हो गया, उसका तो एक तो कोड रहता है, फिर उसके आगे जो पांच में पांच का नंबर होता है वो तो चेंज होता रहता है ना, तो वो भी चेंज हम लोग होता कैलकुलेशन कैसे करेंगे? टोटल को करेंगे हम लोग, बस जो भी है, नंबर होगा उसको टोटल भी टोटल। करेंगे उसमें, जो जैसे 8998 अगर आप देख रहे हैं ना, आपको 9-8 का भी कॉम्बिनेशन बहुत सारे उसमें फोन वाले में दिखेगा, और 8-9 ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। ये कॉम्बिनेशन क्या करता है ना, जिसके भी इसमें आएगा, ऐसे फोन आएंगे जिसमें आप बात करेंगे आपका उस व्यक्ति के साथ झगड़ा हो जाएगा, बहस होगी, फालतू की बहस, मतलब कोई मतलब ही नहीं बैठता, पॉइंट पे बात नहीं करना, इधर उधर की बात करके झगड़ा करना, मतलब तो ये आप जो ऐसे बता रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड फोन आते हैं। हाँ ये जो आप बता रहे हैं ये टोटल का बता रहे हैं ना, मतलब जैसे कि नो पूरा। टोटल नहीं, टोटल ये पेयर बता रहा था। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था कि जो 9 नंबर है, 10 नंबर है टोटल, है ना, टोटल 10 नंबर जो है, 9 8 7 हाँ2 ठीक है, 4 5 6 7 8 कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 सर,9 और एक और 10 9, ये लो ठीक है। तो ओके ये अच्छा पेयर पेयर, एक पेयर दो प्यार पेयर, हाँ 3 पेयर, चौथा पेयर, पांचवा पेयर, छठा पेयर, सातवां पेयर, आठवां पेयर और नवा पेयर, टोटल 9 पेयर बनते हैं, ठीक है, टोटल 9 पेयर बनते हैं। तो इसमें हम लोग एक एक को लेना है, जैसे 9-8 को लिया, जैसे 8-7 को लिया, फिर 7-2 को लिया, इस तरह से कंटिन्यूटी में हमें करते जाना है, और यही पढ़ेंगे कि इन पेयर्स का क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। तो हम लोग को हाँ टोटल, जैसे न्यूमोलॉजी में हम लोग टोटल मतलब ऐड करते, वैसे नहीं होता है इसमें वो भी कैलकुलेशन? कंसिडर होता है, उसको भी देखेंगे बहुत बहुत, इसलिए मैंने अभी अभी क्या बोला कि नंबर मिल जाएगा लेकिन बैठना पड़ता है, 1 घंटा 2 घंटा 4 5 घंटा, मैंने 6 घंटा दिया था, मुझे 4 नंबर मिले थे, अच्छा ठीक है, क्योंकि ओके सर। उसमें कपल्स मतलब जोड़े को भी देखना है, टोटल को भी देखना है, ठीक है, ओके टोटल को ओके भी देखना है, क्योंकि टोटल अगर आपके भाग्यांक और मूलांक के साथ जुड़ता है या लकी नंबर के साथ जुड़ता है, बहुत अच्छा वो रिजल्ट देता है, बाकी पेयर तो है ही, ठीक है। जी लकी नंबर जैसे अब मैं बताऊंगा इसमें जब हम आगे पढ़ेंगे, तो लकी नंबर जैसे अभी हम आज मैंने हार्ड कोर एनिमी नंबर बताया, मतलब ये नंबर नहीं लेना है, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ जैसे कहते हैं ना मूलांक जो है वो, जैसे बताया मैंने 1 2 3 4, उस हिसाब से आपको टोटल में आपका एंटी मतलब हार्ड कोर एनिमी नंबर नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो वो मोबाइल बहुत अच्छा नहीं है, वो नुकसान देगा। जी सूरज जी पूछिए। थैंक यू सर। हाँ ये भाई अब अपने 639 है लास्ट में, तो वो 63 भी नहीं होना चाहिए सर। 6-3-9 है, हाँ जी हाँ 6-3 का पेयर बनेगा ना, 6-3 में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, वो कंफ्यूज करता है ब्रेन को, अंडरस्टैंडिंग सोचना या डिसीजन लेने में प्रॉब्लम करता है। तो सर आजकल तो अब सबके पास में नंबर वो ही वाले रहते हैं, तो फिर चेंज करना में तो कितना प्रॉब्लम आ जाती है। देखो दो ऑप्शन है कैसे करना है, अगर आप चाहते हैं कि पुराना नंबर चेंज ना हो, क्योंकि आपने उसको सबको दे दिया, ठीक है, हाँ जी तो आप उसको रखिए, सिर्फ उसका कनेक्शन ये होगा कि कॉल रिसीव होगा, आपने कॉल रिसीव करके बात नहीं करना है, कॉल रिसीव हुआ कॉल कट करो और दूसरा जो नया नंबर लिया उससे कॉल करो, ताकि इस तरह से धीरे धीरे लोगों को जानने पता चल जाए कि आपका दूसरा ऑल्टरनेट नंबर ये है, ठीक है। उससे क्या अच्छा हुआ कि आपने उसको यूज नहीं किया और आपने नए जी नंबर को यूज किया, तो धीरे धीरे क्यों, देखो ट्रांसफॉर्मेशन ना जीवन में बदलाव में हमेशा धीरे होना चाहिए, अगर सडनली बदलाव आता तो इंसान झेल नहीं सकता उसको, है ना, जी तो इसलिए इस तरह से हम लोग धीरे धीरे करके, लगभग 1-1.5 साल का टाइम लगेगा, आपका सेट हो जाएगा, वो चीज बदल जाएगा। जैसे गाड़ी के नंबर भी 8221, तो अब इसको कैसे चेंज करवाएंगे? गाड़ी का नंबर अगर 8-2-2-1 आ रहा है ना, तो फिर वो गाड़ी शुरू शुरू में थोड़ा सा दुख देगी, फिर वो ठीक हो जाएगी,
फिर आपका सही मतलब चलेगा। आठ दो से पहले दुख एक्चुअली दे दिया, फिर 2-1 से फिर ठीक ठाक मैनेज होके चलता जाएगा। वो तो देखो आज के डेट में लोगों को अभी न्यूमरोलॉजी का नॉलेज हो गया, इसलिए अभी अवेलेबल है, फैंसी नंबर मिल रहा है आपको। थोड़ा सा वो नेट पे बैठकर उसको भी ढूंढना पड़ता है, वो तो थोड़ा जल्दी मिल जाता है और उसमें प्राइस है, पैसे लगते हैं ज्यादा, लेकिन मिल जाता है गाड़ी का अच्छा नंबर। हाँ, जो ठीक है आ ठीक है गया है वो इसको। आ गया, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। जब नई गाड़ी लेंगे तो उसमें आप बदल सकते। ठीक है सर, जी ओके थैंक यू। हाँ युगराज जी बोलिए। जी नमस्ते। सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मैं जो नंबर है मेरा 973, फिर से 973 5799। अब इसके अंदर में 7 और 9 रिपीट हो रहे हैं, सो इससे कुछ इम्पैक्ट सेवन होता कितने है? टाइम रिपीट हुआ? 1 2 3 बार। गड़बड़ है ना ये? 2 तक ठीक है, 7। ओके बिकॉज हर टाइम रिपीट होने से क्या होगा ना, आपके लाइफ का जो पैटर्न है ना वो कैसा होगा, आप इस तरह से ऊपर उठेंगे, फिर धड़ाम से गिरेंगे, फिर ऊपर उठेंगे, फिर धड़ाम से गिरेंगे मेरी डेट ऑफ हर। बर्थ भी 25 है, दैट इज 2 + 5 7 ही आता है उसका भी। अरे बाप रे, तो 7 है ऑलरेडी, फिर इतना 7 लेके फिर तो ये नंबर से पता है रिलेशनशिप बनेंगे शुरू में, बट जाके फिर उसका एंड अच्छा नहीं होता, मतलब वो लॉन्ग रन नहीं हो पाता, कुछ ना कुछ इशू आ जाता। अभी द ब्यूटी इज दैट कि ये नंबर भी किसी न्यूमरोलॉजिस्ट ने दिया, अरे बाप रे, चलो ठीक है। सो डेट ऑफ बर्थ इज 25/12/1963। अभी अभी आपका डेट ऑब्जर्वेशन बताइए, किसने क्या दिया, ऑफ आप उसको साइड करके आपका यस ऑब्जर्वेशन बताइए, जब से आपने लिया ऑब्जर्वेशन है है क्या कि जो हम क्या बोलते हैं ना, देखा। टाइम देते हैं इसको, 3 months 6 months, इट इज नाउ ऑलमोस्ट 11th month हाँ एंड द रिजल्ट इज एब्सोल्युटली, आई मीन कनेक्शंस तो बहुत हुए हैं मेरे, मतलब हाँ बिग कनेक्शंस। कनेक्शंस इज लाइक इन यस, थ्री वो डिजिट देगा। फोर डिजिट क्रोर्स के कनेक्शंस हुए हैं, हाँ बट हाँ आउटकम अभी तक नहीं हुआ, इट्स ऑल इन होल्ड। वही जो बताया मेरी ना, हाँ मतलब जो जो कनेक्शंस एफर्ट मैं नहीं लगा है उसका कर रहा रिजल्ट हूँ, नहीं आया, हाँ जो एफर्ट एग्जैक्टली लगा है exactly. उसका रिजल्ट नहीं आया। हाँ बट कनेक्शंस आर स्टिल इंटैक्ट एंड देयर कनेक्शंस 3 digit and 4 digit इन बिलियन मिलियंस में चला गया, वो हाँ, समझ गया मैं, आउटपुट नहीं है अभी सर। आउटपुट नहीं आया। एग्जैक्टली अगर जो लास्ट का 5799 है ना, अगर वो जी 7 वहां पे नहीं होता, सपोज ओके 1 होता या 2 होता, तो ऑलरेडी आपके पास वो जो बात चल रही है होल्ड में है वो इतना आ चुका होता सब ऑल, ओके ओके बिकॉज वहां पर जो है ना आखिरी के 5 नंबर जो है आपको, वो आपके करियर में बहुत ज्यादा इफेक्ट डालते हैं। शुरू वाले जो है वो थोड़ा सा शुरुआत में काम करेंगे, आपको हैंडल करने में चीजों को हेल्प करेंगे, बट लास्ट के जो 5 नंबर 4 नंबर है ना वो बहुत ही क्रूशल होता है, वो पढ़ेंगे हम आगे, वो बहुत ओके क्रूशल होता है। ठीक है, वो ऑल राइट ही एक्चुअली आपके लाइफ में बदलाव करता है। अगर वो सिर्फ वो 7 वहां पर नहीं होता ना, बाकी ठीक है, 599 है मतलब आपने फुल एफर्ट दिया है, इवन जो आपके क्लाइंट्स है वो भी बहुत खुश है, बट दे कैन नॉट टेक डिसीजन। यस 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 ट्रू। जो मतलब कुछ तीन ऐसे क्लाइंट्स हैं जो मैं कभी सोचा नहीं था वो वहां एक्सेस होगा, वो हाँ, यूरोपियन क्लाइंट वो के साथ भी डिसाइड नहीं कर एक्सेस हुआ पा है। रहा। और नंबर श्योर। ढूंढो, और नंबर ढूंढो सर, सो टू अभी ये डबल टोटल आ रहा सेवन है, के इसका ऊपर मत टोटल आ रहा है जाना। 68 पे, तो 68 मतलब टोटल 5 पे आ रहा है। यस, दैट इज अ ग्रेट वन, ऑल राइट इसीलिए इसीलिए कन्वर्जन हो पा रहा है, बट अभी ओके बस सर वही होल्ड वाला हिसाब है वो 7 की वजह से। ऑल राइट टोटल ओके अगर 5 आ गया ना, अगर किसी का भी मतलब अगर वो एनिमी नंबर, देखो टोटल 5 किसी का भी एनिमी नंबर, हार्ड कोर एनिमी नंबर नहीं, क्योंकि वो बैलेंसर है। ठीक है, तो 5 जो है ना वो बिजनेस देता है, टोटल में अगर 5 आ रहा है वो बिजनेस देता है, इसलिए मैं कहता हूँ हम लोग स्पेशली जो लोग अकल्ट में हैं, हाँ जी ओके आपको अगर कन्वर्जन चाहिए तो मिलेगा, 5 देगा, 100% देगा। बट ठीक है, इट्स टेकिंग लॉन्ग पीरियड लॉन्ग टाइम। हाँ वो बिकॉज ऑफ वो 5-7 वाला कॉम्बिनेशन आ रहा है वहां पर, ओके ओके श्योर बस सर वो बस एक ही उसकी वजह से, ठीक बाकी है सर ऑल इज गुड। ऑल राइट सर थैंक यू। आप अकल से हैं क्या सर, मतलब आप पता नहीं वहाँ खिंचाव जरूर है, बट मैं वैसे फाइनेंस एंड फार्मास्यूटिकल में मेरा ओके मेन फार्मेसी, प्ले थे, बट फार्मेसी है ना, ठीक है। हाँ जी और फाइनेंस की इक्विटी के ऊपर मेरा काम चलता है। तो यहाँ पर देखिए 5 के साथ 6 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए था, जैसे वो 7 आ गया ना, अगर जी 5699 होता दैट विल अ ब्लास्ट, मतलब अब तक तो अच्छा मजा आ जाता, मतलब ओके आपके थैंक आपके अकाउंट में 8 फिगर आ जाता लगभग। यू ठीक है थैंक ठीक है यू ठीक सर, है, आपसे हाँ बहुत गाइडेंस श्योर, लेता रहूंगा। श्योर श्योर बिल्कुल श्योर बिल्कुल श्योर थैंक यू श्योर, सो मच। ओके थैंक यू। नेक्स्ट, और किसी को सवाल पूछना है?
एनीवन, किसी को सवाल नहीं पूछना? हाँ हेलो सर, बोलिए शिफा जी, बोलिए। हेलो हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोले बोले, आगे बोलिए। हाँ हेलो, आवाज शिफा जी, सुनाई दे रहे हैं, मतलब वॉइस आ रही है आपकी, आ बोलिए। रही है आपको? जी, हाँ बिल्कुल आ रही है। सो सर बेसिकली आपका नेट का इशू है शिफा जी, आपका नेट का इशू है। हाँ जी सर जी जी आप बोलिए। मैं बोलूं जी हाँ बोलिए ना, बोलिए। सर, मेरा नंबर है 7 78 27 400 313। 400 मतलब 0 313, 40313, लास्ट में यही आ रहा ना। जी। हेलो सर, हाँ हाँ अभी मेरी आवाज क्लियर है? हाँ हम्म, सो सर बेसिकली लाइक आई डू नॉट नो वेदर माई फोन नंबर इज कंपैटिबल विथ माई डीओबी और नॉट, बिकॉज मैं हूँ ओकेड से एंड लिटरली ये मंथ का स्टार्ट इट वेंट गुड, बट बाय द एंड ऑफ द मंथ आई डू नॉट नो लाइक बीइंग अ टैरो रीडर आल्सो मेरी एनर्जी इतनी ज्यादा, माय एनर्जीज आर हाई बट मुझे लाइक बीइंग ऑन अ प्लेटफॉर्म वेयर इन क्लाइंट्स आते हैं वो सारी चीजें नहीं हो रही है एंड आई एम कम्प्लीटली लॉस्ट कि अब क्या करना है, आई एम नॉट एबल टू गेट इट ऑल्सो। तो आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, मूलांक मतलब वो नहीं पता, मूलांक, मूलांक भाग्यांक? मेरा मूलांक है लाइक 5 5 + 15 इज माय डेट ऑफ बर्थ, दैट इज 5 + 1 इज 6 एंड सिक्स। जो हाँ दोनों 6 है, और 15 मोबाइल का 11 टोटल, मोबाइल का टोटल 97 दैट इज अराउंड 1 1 1। नहीं है ना, अच्छा नहीं है, इस वजह से, दैट इज व्हाई इट्स नॉट गुड। आपको टोटल नॉट सिक्स में गुड, लेना है, टोटल ओके सिक्स में लेना है। टोटल आप फाइव में ले सकते हैं, टोटल 6 एंड 5 इज बेस्ट फॉर यू। मतलब अगर टोटल 5 में मिल जाए तो सुबहान अल्लाह, मतलब कि मजा आ जाने वाला है बस लाइफ में, जो जिस चीज में हाथ दोगे वो होगा। एंड अगर टोटल 6 में लोगे तो इश्यू ये आएगा कि थोड़ा सा आप ज्यादा एक्सपेंसिव चीजों पे या लग्जेरियस चीजों पे खर्च करने लग जाओगे, खर्चे बढ़ जाएंगे। इसलिए मैं कहूंगा 5 लो, टोटल 5 बिकॉज इज गुड। आई वांट टू गेट अ नंबर जो कि मैं सिर्फ अपने सर्विसेज के लिए यूज करूंगी दैट इज फॉर ओपन। सो सर लाइक आई एम कंप्लीटली लॉस्ट कि अगर ये 5 नंबर आता है मेरी लाइफ में, ठीक है, डू यू थिंक ये फाइनेंस के साथ लाइक कनेक्शन अच्छे रखना लोगों के साथ लाइक मोर ऑफ एवरीथिंग, मैंने क्या बोला, 5 इज अ बैलेंसर, ठीक है? ये करेक्ट ऐसा राइट नहीं कि खाली बिजनेस दे रहा है, एवरीथिंग मैनेज करता है, एवरीथिंग। आप खुद देखेंगे आपके लाइफ में, आपका पर्सनल लाइफ बोलो, प्रोफेशनल लाइफ बोलो, हर चीज सही से मैनेज होता है, ठीक है? ओके सर, ओके ओके। हाँ और एक और क्वेरी ये थी सर, व्हेन वी गो टू एनी प्लेटफॉर्म, ठीक है, जब भी हम कोई प्लेटफॉर्म पे जाते हैं एज अ टैरो रीडर बी इट एनी अदर ओकल्ट मोडालिटीज, सो अगर हम उनको बोलें कि यू नीड टू चेंज योर नंबर, इवेंचुअली दे हेजिटेट क्योंकि यहाँ पे किसी ने और भी कहा था कि नंबर चेंज करना इतना आसान नहीं होता है, सो इन दैट वे हाउ कैन वी कन्विंस आर क्लाइंट कि हाँ अगर वो आ रहे हैं तो मतलब वो नंबर चेंज करें बेचारे लोग, क्या उनके साथ मैच नहीं करेगा? नहीं तो वो तो बताना ही है। जैसे अगर आपके क्लाइंट के नंबर्स मिल रहे हैं और दिख ही रहा है कि नंबर में ही प्रॉब्लम है, वो तो बताइए कि वोडाफोन में मिलता है। और जो मैंने अभी भी प्रोसेस बताया, किनको बताया था, शायद थोड़ी देर पहले किसी को, सूरज जी को बताया था कि जो नंबर ऑलरेडी है उसको वैसे ही रखो, ओनली फॉर रिसीविंग कॉल, ठीक है? रिसीव हुआ, फोन को काटो, वापस नए वाले नंबर से कॉल करो। आज के डेट में 2 सिम वाला है ना फोन, हर फोन दो राइट सिम वाला है, तो हाँ काटो उससे और नए वाले नंबर से डालो, कॉल कर दो, डायल कर दो वापस। ये ओके सबसे बेस्ट तरीका है, ये 1 साल लगता है ट्रांसफॉर्म होने में, हो जाता है। मैंने कर लिया, मैं मतलब मैं अपनी आप बीती बता रहा हूँ कि मुझे 1 साल लगा करने में, सब कुछ कन्वर्ट करने में, बताने में। अब जो है नए वाले नंबर पे ज्यादा कॉल आते हैं, पुराने वाले में भी आते हैं, जो मेरे पुराने क्लाइंट्स हैं उनको भी कभी कभी दिक्कत होती है तो पूछते हैं कि सर आपका नंबर बदल गया क्या? मतलब बदला नहीं है वही, लेकिन ये नया नंबर आप रख लो ऐसे। ओके सो लाइक इवन इफ दे चेंज देयर नंबर्स तो इसके चेंजेस कब दिखते हैं, लाइक बाय हाउ मच टाइम वी कैन सी द चेंजेस? यूज करेंगे तो अब यूज करने के ऊपर डिपेंड होता है ना, कितना, हाउ फ्रिक्वेंटली दे हैड रिसीविंग द कॉल,
कितने ओके कितने मतलब पहले के कितना करते थे, नए वाले नंबर आने के बाद कितना हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड होता है, इसका कोई सर्टेन फिक्स पैरामीटर नहीं है। ओके सर, ठीक हाँ है सर, जी ओके ठीक जी जी है, थैंक यू। हाँ जी सर। हाँ दिनेश जी आप ये बताइए आपका टोटल कितना है, 78 27 53 78 27 टोटल कर लो आठ टोटल, ये आठ 35 हो रहा है, 8 हो रहा है, 35, 8 हो रहा है तो। और आपका भाग मूलांक कितना है, 25 7। तो 7-8 का, तो भैया बस ऐसे ही है, चेंज कर लो, 7 पे आना चाहिए मूलांक। अच्छा तो आप मतलब क्या, अगर उसमें वो अगर टोटल में आप 7 ले लेते हो हाँ तो जी फिर मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा मतलब अकल्ट में हो क्या, आप करते हो ये, नहीं तो इंटरेस्ट बहुत है। इंटरेस्ट बहुत है ना, आपको करना चाहिए एक्चुअली, मूलांक 7 लेकर बैठे हैं, आपको सीखना चाहिए और लोगों को हेल्प भी करना चाहिए, आप देखना आपकी लाइफ मतलब आपको ना एक आत्मसंतुष्टि मिलेगी। 7 नंबर वाले जब तक अकल्ट में नहीं जाएंगे, रिसर्च नहीं करेंगे, तब तक उनको शांति नहीं मिलती है, वो चाहे वो लाखों करोड़ों कमा ले, लेकिन जब तक वहां पे नहीं घुसेंगे ना तब तक आत्मा को शांति नहीं मिलती है। 7 वालों के साथ ये प्रॉब्लम है, जी फ्रस्ट्रेटेड तो रहते हैं वो, अक्सर देखो ना फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं दूसरे कामों में, जैसे अकल्ट में आ जाएंगे ना मतलब मजा आ गया भाई, यही तो अपनी दुनिया है। सर कौन सा नंबर, 7 का 7 लेना चाहिए, मतलब जिसका टोटल टोटल 7 7 लेना चाहिए, राइट है। आप अगर और इस कोर्स में अगर ज्वाइन करेंगे तो पेयर को समझ के अगर आप लेते हैं टोटल में 7 तो बहुत अच्छा रहेगा। जी जी थैंक यू। हाँ जी जी सरला जी पूछिए। नमस्ते सर, आपने तो नमस्ते हाँ इतने आसान भाषा में नंबर सिखा दिया। मेरे फोन में भी एक तो कॉम्बिनेशन है, हाँ पता चल रहा है कि बहुत समस्या है, और बहुत सुंदर तरीके से सर आपने समझाया, बहुत बहुत धन्यवाद, हम जरूर बहुत आपका बहुत कोर्स धन्यवाद, करेंगे। जरूर जरूर। हाँ जी सूरज जी कुछ पूछना है आपको और। हाँ जी जी सर, सर हाँ वो 1 से 4 नंबर तक निकल गया था मेरा, तो हाँ जैसे मेरी बेटी का बर्थ था 22/11/2004, मतलब चार पूरा टोटली तो 8 मूलांक बनता है। हाँ मूलांक 8 बनता है, 22 हुआ ना, मूलांक कहाँ 8 क्योंकि बनता है, 22 22 का तो 4 ही बनता है, 10 10, हाँ 22 का तो 4 है। अच्छा 4 आया ना 22 सर, का। तो 22 का ही कहलाएगा कि पूरी टोटल कहलाएगी सर? टोटल इज भाग्यांक, आपको मूलांक पे फोकस करना है। अच्छा देखो आप मूलांक क्यों बताया, हाँ मैंने अभी शुरू में बताया था, अभी और एक बार बता देता हूँ मूलांक और भाग्यांक में क्या फर्क होता है। मूलांक आप हैं, यू योर सेल्फ, ठीक है। भाग्यांक क्या है, जो भाग्य आप लेकर आए हैं मतलब पास्ट लाइफ कर्मा में जो आपने प्रारब्ध इकट्ठा किया है, उस प्रारब्ध की वजह से जो आपको किस्मत भाग्य मिला है वो है टोटल डेट ऑफ नंबर, डेट ऑफ बर्थ का टोटल नंबर, ठीक है। भाग्यांक नॉर्मली काम करता है ठीक है 40-45 के बाद से, उसके पहले तक मूलांक का ही ज्यादातर प्रभाव रहता है, ठीक है। मतलब 40-45 के बाद से ऐसा नहीं कि मूलांक का काम करना बंद हो जाएगा, लेकिन परसेंटेज भाग्यांक का ज्यादा हो जाता है उसके बाद से। अच्छा, तो तो बेटी का जैसे कि 4 है तो मूलांक मूलांक 4 है मतलब, तो उसको लेना चाहिए 4, टोटल में उसका नंबर आना चाहिए टोटल में 4। तो सर ये राहु का है तो उसको सेहत वगैरह सही नहीं रहती है? नहीं, ठीक है, वो सेहत वहत जैसे ना, आप अभी वो कौन सा नंबर यूज करती है, उसका टोटल कितना है। नहीं अभी तो कुछ भी नहीं, पहली बार ही मैंने ऐसे क्लास ज्वाइन करी है सर, मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था अरे इसका। तो वो बोलो ना, ऐसा हम यहाँ पे मोबाइल वो मोबाइल न्यूमरोलॉजी पढ़ रहे हैं, न्यूमरोलॉजी नहीं पढ़ रहे सर, ठीक है। तो देखो अगर उसको 4 नंबर उसका मूलांक है और उसकी तबीयत खराब होती है तो राहु देव का मंत्र पाठ कर सकते हैं, ठीक है, या सरस्वती सरस्वती मंत्र का भी पाठ कर सकते हैं, और महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करवाइए अगर बेटी नहीं होता है तो। आप उससे अगर नहीं हो पाता जाप तो सिंपल मोबाइल पे लगाइए और सुनिए, सबसे आसान, सुनने से भी बहुत फर्क अच्छा पड़ता है। ठीक है सर। सर जी हाँ जी सर, मेरा तो दूसरा उसकी नंबर एजुकेशन ना वगैरह? 7 आ रहा है उसमें। 1 मिनट दिनेश जी, 2 मिनट रह जाए, 2 मिनट। हाँ सूरज जी बोलिए, कंप्लीट कीजिए। हाँ तो जैसे कि उसके एजुकेशन वगैरह में ऐसा राहु का आज पता चला, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है? नहीं राहु तो बैड, देखो कोई नंबर इज नॉट मतलब नो मतलब जितने नंबर है कोई भी नंबर बैड नहीं है, खराब नहीं है। राहु इज इन्वेंशन, मैंने क्या बोला, आविष्कार। राहु आउट ऑफ द बॉक्स सोचना जानता है, बाकी तो कोई प्लैनेट आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जा पाता,
ओनली राहु के पास ही वो कैपेसिटी है जो दुनियादारी से बाहर की बात सोचता है, जो कोई नहीं सोचता वो राहु सोचता है। तो अच्छा इनोवेशन, क्रिएटिव राइटिंग, क्रिएटिविटी के लिए 4 नंबर इज ग्रेट, शुक्र भी अच्छा है क्रिएटिविटी के लिए। क्या होता है कई बार हमें या हमारे एजुकेशन सिस्टम में आउट ऑफ द बॉक्स सोचना नहीं सिखाया गया, ये सब अग्री करते ना अभी जो भी है यहाँ पे, ये अग्री करते हैं ना आप लोग सभी कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में आउट ऑफ बॉक्स नहीं सिखाया गया। हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो अंग्रेजों ने हमारे पर थोपा है वो है कि आपको यही पढ़ना है और नौकरी करनी है। क्या करना है? नौकर बनना है, जी मालिक नहीं बनना है, राजा नहीं बनना है, आपको नौकर बनना है। ये सिखाते हैं अंग्रेजी वाली जो पढ़ाई होती है, ठीक है। लेकिन जी लाइफ इज नॉट अबाउट नौकरी, नो। लाइफ इज कि हर एक इंसान का अपना एक लाइफ पर्पस है। आप पैदा किस लिए हुए आपको पता होना चाहिए, आपको आप पैदा किस लिए हुए। नौकरी करने के लिए पैदा नहीं हुए। सदगुरु सही का अगर आपने एक चीज एक वो सुना है कि नहीं सुना है, उन्होंने एक बात जगह बहुत अच्छी बात बताई कि देखो पैसा कमाने के लिए एजुकेटेड होना बहुत जरूरी नहीं है। जिसको कुछ नहीं आता, जो अंगूठा छाप है वो रेड़ी लगा पे पैसे कमाता है। जी एजुकेशन इज वॉट, एजुकेशन का मतलब होता है इट इट मेक योर ब्रेन पैटर्न लार्जर, थिंकिंग प्रोसेस को बड़ा बनाता है, दैट इज वाई एजुकेशन। बट हमारा जो स्कूल वाली पढ़ाई वो कभी भी हमारे थिंकिंग प्रोसेस को ब्रॉड नहीं बनाता, वो हमारे थिंकिंग जी प्रोसेस को श्रिंक करता है, छोटा बना देता है, ठीक है। और जो हम गुरुकुल के प्रोसेस में पढ़ते थे, जहां पर गुरु हमें पेड़ के नीचे बैठा के पढ़ाते थे, कहानियां सुनाते थे, और हर एक श्लोक के पीछे एक कहानी होता था, जिससे बच्चा एक बार में सुन के उस श्लोक भी याद हो गया, उसके पीछे कहानी भी याद होगी, और उस वो एक लाइफ की वो सीख होती थी जो लाइफ में अप्लाई हम लोग करते थे। इसलिए गुरु परंपरा सर्वश्रेष्ठ है, अब भी है, ठीक है। आप देखेंगे कि ये पैटर्न जो अच्छे वाले मदरसे हैं, मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता, अच्छे वाले मदरसे मैंने देखे हैं, वहां पर भी ये पैटर्न फॉलो होता है। वो नहीं ऐसा करते हैं कि टिपिकल आपको वही पढ़ना है कुरान में, ऐसा ऐसा है। जो अच्छे स्कॉलर्स हैं, जिन्होंने जो सही कुरान है उसमें बहुत अच्छे से बताया है, बहुत अच्छे से समझाते हैं, तो वो उसमें लाइफ हैक्स है, लाइफ को कैसे जिया जाता है वो बताते हैं वहां पर। मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को, इवन बाइबल में भी ऐसी जगह पर लिखा हुआ है जो वो लाइफ हैक्स को बताते हैं, ठीक है। कई जगह पर चीजों को हमारे जो एंशियंट स्क्रिप्ट है उसको मैनिपुलेट करके अपने हिसाब से बनाया गया है, जो कि गलत है। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये 4 नंबर, 4 नंबर क्या करता है, ये नॉर्मल एजुकेशन में इसको मजा नहीं आता, इसको जब तक इनोवेशन नहीं चाहिए, थोड़ा अलग नहीं चाहिए, तो चीजों को वो अलग तरीके से सोचना जब तक इसके पास नहीं आएगा, इसको मजा नहीं आएगा, जी ठीक है। तो ना, इसको जो है सबने इस उसको अलग से चाहिए, एकदम बहस करने के लिए तैयार रहती कि ये ऐसा क्यों हुआ। यस एकदम पक्का राहु है, ठीक है। तो तो बस इतना टेंशन लेने का कुछ इसीलिए नहीं, अच्छा तो है। राहु इस पराक्रमी, वो हर चीज में सवाल पूछेगा, पूछना भी चाहिए, तभी तो उसका नॉलेज बढ़ेगा। तो एजुकेशन में से कोई प्रॉब्लम तो नहीं कोई आएगी प्रॉब्लम नहीं आएगी ना सर। मैडम, आप इसको इंसान बनाओ, एजुकेशन एजुकेशन मत करो ज्यादा, इंसान बनाओ, उस पर फोकस ओके करो, ठीक है। हाँ ओके थैंक यू सर। हाँ जी सर, मेरा दूसरा नंबर में ना 7 आ रहा है हाँ तो बस उसको रखो, उसको यूज करो। सर। वो जब से लिया ना, आज से 14 साल हो गए, लेकिन वो यूज मतलब उसमें तो नुकसान अंदर उसका इंटरनल कॉम्बिनेशन गड़बड़ है, अंदर का कॉम्बिनेशन कहने के गड़बड़ है, जो मतलब ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है, उसको देखना पड़ेगा। 93 45 045। हाँ नहीं सर, रुक जाइए, अब देख तो लो। अब आप तो अपना चिट्ठा खोल के बैठ जाओगे तो बाकी भी देखो इतने सारे हैंड रेस है, कब को जी बताऊँ जी मैं। थैंक यू हाँ, अल्फा जी बताइए। अरे नाम अल्फा रख दिया आपने। सर। एक्चुअली मैं भी पूछ रही थी कि जैसे कि मेरा पहले जो नंबर एक थी ना, वो हाँ वाला नंबर सही था, मतलब ठीक ठाक चल रहा था। बट उसके बाद आई थिंक 3 4 साल पहले मैंने एक नंबर चेंज किया। तो एक्चुअली मैं अकल में भी मैं हूँ, जैसे रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, एंड अदर मोडालिटी में भी मैं काम कर रही हूँ। बट अभी मैं जो नंबर ले रही हूँ, मतलब ली हूँ, मेरी वैसे भी तो 6 6 by 7 का कॉम्बिनेशन है, जो कि डेट ऑफ बर्थ 6 और मेरी डेस्टिनी 7 आ रही है। बट ये वाला नंबर ना मुझे लग रही है कि ये मुझे बड़ी बड़ी दिक्कत दे रही है। मतलब वैसे तो क्लाइंट मतलब अट्रैक्शन बुक तो पूरा नील हो गई है। और सेकेंड बात, और भी एक प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि ना मैं और भी डिटैच हो रही हूँ लोगों से, जैसे कॉल आना, सेवन जैसे जैसे पहले की, तो ये मेरी
इसका जो टोटल आंसर है ये 46, 46 आ रही है, 46 से 10 हो रही है मेरी। वन, हाँ 46 का हाँ वन। तो इधर इधर ओके, और लाइक सात एनीथिंग, कितने, सेवन कितने है उसमें? 7 एक ही है, लास्ट वाला लास्ट डिजिट 3 7 6 आ रही है। हाँ 3 7 6। अरे जी 7 6 यार, गड़बड़ तो वही हो गया। मतलब ओके। शुक्र शुक्र जो है वो लग्जरी दे रहा है, वो जितना मेटलिस्टिक चीजें देता है, और ठीक उसके हाँ पहले हाँ अगर 7 आ रहा है तो क्या कर रहा है? 7 इज डोमिनेटिंग शुक्र। मतलब ओके okay. आपको क्या करना है, ऐसा लग रहा है क्या करना है, छोड़। हाँ एग्जैक्टली वही हो रही है। और लाइक मतलब मैं अभी भी फैमिली से भी डिटैच हो रही हूँ ना, तो मुझे किसी को कॉल करने को मन करती है ना, मुझे कोई कॉल करता है तो मैं रिसीव करने के लिए मन करता है, मतलब मैं देखो पूरा। कोशिश ये करो ना, लास्ट के जो 5 या 4 नंबर हैं, ठीक है, हाँ उसका हाँ कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए, ठीक है, गलत अच्छा कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं आना चाहिए। तो 6 एंड 7 का कॉम्बिनेशन इज नॉट गुड, एब्सोल्युटली नॉट गुड कॉम्बिनेशन ऑलरेडी, ओके क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट वो रिजल्ट देते हैं, मतलब जो आप एफर्ट कर रहे हैं शुरू से, मतलब एक नंबर से लेकर 8 नंबर, तो जो भी आपने एफर्ट किया, जो नंबरों ने आपको एनर्जी दी, वो आपको रिजल्ट देगा लास्ट का 2 डिजिट। अच्छा ओके अगर वो गड़बड़ हो गया तो क्या हुआ कि वो क्या कहते हैं, क्या खाया पिया कुछ नहीं, और ग्लास थोड़ा आठा ना, ठीक है, सारा मतलब मेहनत जो है वो पानी भी में। करो। हाँ मेहनत लास्ट में वही वहां पे जीरो हो जाता है। हाँ ओके ओके हाँ ठीक है, ओके तो तो पढ़ो ये मतलब आप ये करो कोर्स, आप लोग, मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि कॉम्बिनेशन को जानना बहुत जरूरी है, इंटरनल कॉम्बिनेशंस। उसमें अगर आपने गड़बड़ी की तो क्या होता है ना, कड़ी है एक दूसरे से जुड़ा हुआ, इस तरह से कड़ी है, एक भी खुल गया तो गया काम से, लिंक टूट गया, ठीक है, इसलिए थोड़ा सोच समझ के करना। और ओके अभी टाइम लो, अभी देखो बहुत देर नहीं हुई, अभी आप जब ये कोर्स करोगे ना, सीखोगे, तो आपको धीरे धीरे चीजें रियलाइज होगी, और आप आपको आपके लाइफ में जो चीजें हैं उसके पीछे आप थोड़ा फोकस करके देखेंगे कि जब से वो नंबर आया उसके बाद से ये चीजें मेरे साथ घटित हो रही है, मतलब पेयर्स को जब हम कंपेयर करेंगे ना, जोड़े में जब किया क्या इफेक्ट आता है, तो आप लोगों को जब पता चलेगा तो आप लगेगा कि हाँ यार ये नंबर में नहीं रखना है, अगर नहीं है गलत आ रहा है, अगर अब बैड कॉम्बिनेशन आ रहा है तो उसको बदलना ही पड़ेगा, उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। जैसे लॉसो ग्रिड में अगर 7 नहीं है 6 नहीं है तो हम गोल्डन एंड ये सिल्वर वॉच पहन लेते ओके हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं है, जो नहीं है तो खत्म, उसको हटाओ, नया नंबर लो, और वोडाफोन में ही मिलेगा, हाँ कहीं और नहीं मिलेगा, ओके 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 थैंक ठीक है, बाकी यू और कोई सो देता मच। भी नहीं है। ओके वेलकम सर वेलकम, मोस्ट वेलकम जी। और किसी को कुछ पूछना, एनीवन? मुझे बोलना है, मेरा लास्ट में 2202 नंबर है, ये कैसा रहेगा? हाँ 2 2, बापरे क्या करेंगे आप इसका, 2202, मतलब 3 2 आ गए क्या, मतलब बात जब किसी के किसी से आप बात करती है तो उनके रोने पे आप भी रोने लग जाती हैं क्या, मतलब बहुत इफेक्ट करता है उनके, जिसको भी दूसरों की बात है ना, अपने दिल पे बहुत इफेक्ट करता है, ऐसा हो जाता जी, मुझे सेंसिटिवली है। यस, ये ओवर सेंसिटिवनेस कहते हैं। 2 2 आ गया, 0 को कंसिडर नहीं करेंगे, 2 2 आ गया, अगर एंड में 2 2 आ गया ना, क्या बोलूं मैं, मतलब आपको अगर एक ऐसा क्लाइंट आता है जो बेचारा बहुत दुखी है, अगर वो कहता है कि मैडम मेरे पास पैसे नहीं, मैं 100 रुपए से ज्यादा आपको दे नहीं पाऊंगी, तो आप ना 100 रुपए में उसको 5,000 का सामान बेच के आ जाओगे, ठीक है, तो वो अपना नुकसान करके नहीं करना है, इसको भी बदलना है। बहुत ज्यादा 2 का एनर्जी, देखो 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो थोड़ा सा व्यक्ति को ओवर सेंसिटिव बना देता है इन एवरी मैनर, जैसे 2 नंबर, 8 नंबर, ठीक है, एंड 7 नंबर। 2 नंबर क्या करता है, बहुत हद से ज्यादा इमोशनल, बॉडी का वाटर बैलेंस बिगाड़ देता है। 8 नंबर क्या करता है, हद से ज्यादा स्ट्रिक्ट, जिसकी वजह से खुद का लाइफ जो है स्ट्रगलफुल हो जाता है। और 7 नंबर, हर चीज से डिटैचमेंट, जिससे लाइफ में किसी चीज का कोई मायने नहीं रखता है, छोड़ना है दुनियादारी सब छोड़ के एक साइड में हो जाओ, हटा साउंड की घटा, अच्छा नहीं लग रहा, चलो ठीक है, ऐसा। तो ये 3 नंबर्स को आपको रिपीटेड मोड में नहीं रखना है, मतलब एक साथ भी नहीं, और
पूरे नंबर में भी 3 बार रिपीट हो रहा है तो नहीं रखना। तो ऑलरेडी आप देखो दो, इसके अलावा और भी दो है क्या आपके नंबर में 3 के अलावा? नहीं, 2020 लास्ट में ही है। अच्छा चलो चलो बच गए आप, फिर भी बचे नहीं है। और ये इट्स नॉट अ गुड नंबर, ये बहुत तगड़ा, मतलब सेंसिटिवनेस से क्या होगा ना, आपकी एनर्जी हमेशा हिली रहेगी, आप काम नहीं कर पाएंगे। मतलब अगर आप अकल से हैं, अकल में कुछ कर रही हैं, हाँ, मैं अकल में हूँ, पर मैं इतना ओवर सेंसिटिव हो जाती हूँ, लाइक जैसे मैं कुछ इम्बैलेंस हो जाता है मेरा भी। हाँ दूसरों का इफेक्ट होगा। आप इस नंबर को बंद करके दूसरा नंबर को चालू करना, मतलब लीज कोर्स कर लीजिए, करने के बाद नया नंबर लीजिए और उसको चालू कीजिए, उससे बिजनेस भी आएगा। नहीं तो इस तरह से क्या होगा ना, लेने के देने पड़ जाएंगे, मतलब 100 रुपए के चक्कर में 5,000 का नुकसान करके आ गए, ये नहीं होना चाहिए ना। फिर जो नंबर लेंगे उसका जो टोटल ऐसा कुछ होना चाहिए, या लास्ट में कुछ डिजिट का कुछ मैटर करता है, कैसे नहीं नंबर उसमें लेने के? दोनों देखना होता है, कपल्स मतलब जैसे मैंने बताया जोड़े पे ना, 9887 इस तरह को, आपको पेयर को भी कंपेयर करना है, ठीक है? उसमें पेयर का कंपेयर होने के बाद फिर उसका जो टोटल आएगा वो आपके भाग्या सॉरी मूलांक के साथ कनेक्ट होना चाहिए। अभी तो भाग्यांक हुआ ना, क्योंकि मेरा करीब करीब 39 38 हो गया है, तो हाँ अभी भाग्यांक के हाँ हिसाब से अभी आप लेंगे। भाग्यांक को भी ले सकते हैं, 30 35 40, मैंने एक्चुअली 40 45 के बाद बोला था, तो उसमें आप भाग्यांक को कंसिडर कर सकते हैं, ठीक तो है? जैसे आप बता रहे कि टू ज्यादा नहीं होना देखो चाहिए, दो से बाद। हाँ 1 मिनट रुको, मैं एक बता देता हूँ पहले, नहीं तो मैं खुद ही भूल जाऊंगा ये बताना। अगर भाग्या अगर आपको अपना लकी नंबर मिल गया, ठीक है, मूलांक और भाग्यांक के हिसाब से अगर आपको अपना लकी नंबर मिल गया तो आपको लकी नंबर को सबसे पहले चूज करना है, ठीक है, टोटल में। अगर आपको लकी नंबर नहीं मिल पा रहा है तो आप भाग्यांक या मूलांक में दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। 40+ है तो भाग्यांक पे ज्यादा फोकस करना, 40 से नीचे है तो मूलांक में ज्यादा फोकस करना, क्लियर है? भाग्यांक और फिर ये भाग्यांक मूलांक कैसे मिलेगा, ये कहाँ से मिलेगा? मूलांक, अरे भाग्यांक आपका बताया ना अभी, जिस डेट को आप पैदा होते हैं, जैसे 1 है तो 1 है आपका मूलांक, और ओके, टोटल डेट ऑफ बर्थ का जो टोटल आएगा, जैसे 1 2 1985, हाँ तो मेरा 17 है। 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 5, टोटल जो आया ये आपका भाग्यांक। सर, मेरा भाग्यांक 33 है, मतलब अरे लक्ष्मी हो गया ना, 6। हाँ मूलांक सिक्स कितना है, सिक्स मूलांक भी 6 और भाग्यांक भी 6, नहीं, मूलांक मतलब मूलांक नहीं पता, फर्स्ट तो फर्स्ट डिजिट, पूरा फर्स्ट 17 डिजिट, फर्स्ट डिजिट, है डेट ऑफ बर्थ। 7 और 1 8। हाँ शनि आ गया ना, सैटर्न, शनि शुक्र का कॉम्बिनेशन है मैडम, और ऊपर से आपने चंद्रमा को भी पकड़ के रख लिया, अरे वाह क्या ही होगा आपके साथ, चेंज करो जितनी जल्दी हो सके चेंज करो। पर सर ऐसा होता है, प्रॉब्लम तो आता है पर मैं ओवरकम भी कर लेती हूँ, लाइक हाँ लेकिन तब तक वो हिल, आप हिल जाती है ना, आपको अटैच नहीं होना है, आपका अटैचमेंट बढ़ रहा है लोगों के साथ। हाँ, वो तो एज अ हीलर अगर आप मैं अटैच होती रहेंगी तो उनके कर्म आपको बहुत डिस्टर्ब करेंगे, बहुत ज्यादा। हम क्यों लेते हैं वो एनर्जी एक्सचेंज मनी क्यों लेते हैं, कि मैंने जो एनर्जी दिया बदले में आपने अपनी एनर्जी का कुछ पोर्शन दिया, ठीक जी है? फ्री में जी। हाँ अगर आप सेंसिटिव हैं तो फिर अगर आपने दिया जो मैंने कहा कि 100 रुपए की जगह आपने अपना 5,000 दे दिया, तो उससे क्या हुआ, आपकी एनर्जी ड्रेन हुई, उसने ज्यादा उसको ज्यादा मिल गया, कस्टमर हमेशा प्रॉफिट में रहेगा और हमेशा आप नुकसान में रहेंगे, तो हाँ, इसलिए मेरा नहीं वही रखना है। हाँ तो लॉसेस दे रहा है ना, देखो 8 और 6 है, 8 6 वाले के साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है मेहनत ज्यादा होती है, लेकिन प्रॉब्लम यह होता है कि अगर मेहनत सही दिशा में करेंगे तो 6 आपको रिजल्ट देगा, क्योंकि 8 मेहनत का है और 6 जो है रिजल्ट देने का, मनी पैसे का, लेकिन उसमें आपने 2 जोड़ दिया तो वही हो गया कि 100 रुपए का 100 रुपए आपने लिए और 5,000 का सामान उसको दे दिया, नुकसान आपको होना है, ठीक है? इसको ध्यान रखिए। थैंक यू। सर, हाँ जी बताइए। जैसा बर्थडे डेट में 3 बार 2 है तो फिर बर्थ डेट में ही 3 बार 2 है तो बच्ची सेंसिटिव है, बहुत उसको ज्यादा। बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, तो उसको उसको कभी भी ज्यादा मतलब एक उसके फोन नंबर में 1 ही 2 आना चाहिए, अगर हो सके तो 2 मत ही लेना, नहीं तो 1 2 आता तो ठीक है, 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा।
अच्छा अभी तो बच्ची है, चलो बड़ी हो जाए जब फोन दोगे तो नंबर चेक करते थे। नहीं, बड़ी है सर, मुंबई में पढ़ने के लिए भी जा अच्छा तो फिर बहुत बड़ी है बच्ची, रही। 19 ईयर की है, तो तो फिर ठीक ठाक नंबर दो इसीलिए उसको, तो ठीक से नंबर देना, बहुत सेंसिटिव है सोच समझ के। हाँ, तो सर उसके लिए अब इसके लिए अपने को क्या ये करना चाहिए कि जिससे कि उसका सेंसिटिव बना एकदम थोड़ा कम हो। और सेंसिटिवनेस को दूर करने के लिए उसको हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, हिम्मत साहस, अच्छा हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, श्री राम स्तुति, ये चार चीजें उसको पढ़ना चाहिए। अच्छा मैं ये मतलब उसके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बोल रहा हूँ, क्योंकि 222 हाँ ऑलरेडी जी उसके डेट ऑफ सर, बर्थ में है। हाँ, तो मंगल से चंद्रमा को बल मिलता है, मंगल को हाई अच्छा करना है, तो वो उसका जो ओवर सेंसिटिवनेस खत्म हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होगी और डाउन टू अर्थ रहेगी हमेशा। ठीक है सर, ओके थैंक यू। मोस्ट वेलकम। हाँ जी नुसरत जी बोलिए। सर जी मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो 9 है, और जो मेरा यानी कि उनका सबका टोटल आता है वो 5 आता है। भाई हाँ अब सर वाह, मेरे फोन पास सर नंबर का फोन टोटल क्या है, नंबर के टोटल में ही तो गड़बड़ है सर। कितना ने है? फोन सर बिजनेस का 7 आता है, अरे और और जो मेरा दूसरा है होम वाला जिसपे यानी कि ये जूम और बाकी हाँ कनेक्ट होते हैं, तो वो सर 6 आता है उसको। चलो ये तो फिर भी ठीक है, 6 वाला, सर सेवन इसमें वाला मेरे बहुत अच्छा नहीं लिंक्स है। तो काफी डेवलप होते हैं, सारा कुछ होता है, हाँ जी, लेकिन मुझे बिजनेस वाले नंबर से, अगर कोई इस नंबर से बिजनेस पे चला जाता है ना तो वो भाग ही जाता हाँ तो इसलिए है। आपको 6 को यूज करना है, 7 वाले को बंद कीजिए आप। ओके लेकिन सर उल्टा ये करो उसका कि 7 वाला ही घर के लिए यूज करना था आपको, एक्चुअली उल्टा कर लो, 6 वाले में आपको रिजल्ट आ जाए, क्योंकि आपका भाग्यांक 5 है, हाँ ठीक है? जी तो अभी आप 40 के आसपास हो गई हैं, वैसे पूछना नीचे हाँ जी फीमेल से, हाँ जी हाँ ठीक है? जी हाँ तो ठीक है, तो ये फिर अब रिजल्ट आ जाएगा आपको 5 वाला, इसलिए टोटल 6 वाले को ना आप यूज करो। उसमें भी आप इंटरनल कॉम्बिनेशन जब पढ़ोगे ना, तो अगर उसमें कोई चेंजेस करना होगा तो फिर नया नंबर ही ले लूंगा। अगर इंटरनल कॉम्बिनेशन सब अच्छा है तो फिर सोने पे सुहागा, मजा आ जाएगा फिर लोगों। सर, मुझे असल में नंबर तो नया लेना था, लेकिन मैं बस इसी आपके कोर्स की वजह से, क्योंकि काफी डिले हो गया कोर्स भी, तो मैं इसीलिए रुकी हुई थी कि मैं पहले एक दफा अच्छी तरह समझ लूं फिर लूंगी। ठीक है ठीक है, नहीं कल कोर्स स्टार्ट हो जाएगा अभी, जस्ट इस सितंबर में ही शुरू में, फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा, हो गया ऑलरेडी समझ लो। इसमें हमने सेकंड बार में ये चीज़ें जो बताई है इसको कंसीडर करने के लिए कि और लोगों को भी इसमें जोड़ा जाए। जी सिद्धि, सिद्धि जी बोलिए। थैंक यू सर। हाँ मोस्ट हाँ वेलकम। सर, मुझे कौन सा नंबर लेना चाहिए? मतलब अभी जो फिलहाल मेरा चालू नंबर है वो हाँ है 8928428509। टोटल नहीं, टोटल है 1, ओके, और आपका भाग्यांक मूलांक, मूलांक क्या है? भाग्यांक 2 और मूलांक भी 1 है। 1 मूलांक है और भाग्यांक 2 है। हाँ हाँ तो ये ठीक है, बट जो आपने बोला 8-2 का कॉम्बिनेशन है उसमें, हाँ ठीक है? तो 1 की वजह से तो फिर भी चल जाएगा, बट 8-2 का कॉम्बिनेशन जो थोड़ा सा स्ट्रगल देगा, वो मतलब इजी कोई भी काम आपका बिना डबल एफर्ट के कभी कंप्लीट नहीं होगा। बहुत बहुत स्ट्रगल है मेरी लाइफ में, हाँ तो बहुत। 8-8-2 का कॉम्बिनेशन हटाना पड़ेगा, और आपको 8 नंबर नहीं लेना है, आपके फुल टोटल जो नंबर होगा ना, मतलब 10 नंबर जो एक फोन नंबर में होता है, उसमें 8 नहीं होना चाहिए, नो 8, ओके क्योंकि 1 एंड 2 दोनों का अभी अभी हमने पढ़ा ना कि वो हार्ड कोर एनिमी है। और ओके कितने 8 आ रहे हैं, कितना 8 है उसमें, हाँ कितने सारे 8 है उसमें, एट एक ए है ही है, 8 2 है, 2 है। 8-2 है ना, देखो तो दोनों के लिए, 1 के लिए भी वो एंटी है, 2 के लिए भी एंटी है, इसलिए इतना ज्यादा स्ट्रगल है। बहुत स्ट्रगल है, एंड अब तक तो मुझे सक्सेस भी नहीं मिलती है। मैं ओवरकम तो कर लेती हूँ सब चीजों को, लेकिन तब तक वो प्रोसेस में मैं टूट जाती हूँ। जैसे अभी हाँ मैं उससे बहुत इंटरेस्ट ही कंसिस्टेंट हट जाता है, उससे इंटरेस्ट ही हट जाता है कि जिसके लिए मेहनत कर रहे थे, इतना मेहनत डिमांड होता है कि बाद में उसका इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता सड़ जाता है, मेरे साथ है। हाँ सेम हूँ।
अब देखो समझना, मैं सबको थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स एक बात बता देता हूँ। देखो लाइफ को अलाइंड करना है ना, अभी देखो आप लोग सभी को, ये एक बहुत कॉमन चीज है, हम लोग जितने भी कहते ना हम किस्मत के मारे हैं, ठीक है, या भाग्य हमारा साथ नहीं देता या जो भी कहते हैं, इसलिए हम कुंडली या एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं कहाँ पे दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम है। हम गलती ये करते हैं, हम एक बार जाते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास, एक बार जाते हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजिस्ट के पास, एक बार जाते हैं न्यूमरोलॉजिस्ट के पास कि किसी के पास सोल्यूशन मिल जाए, लेकिन कभी हम इस बात पे फोकस नहीं करते हैं कि अगर हमारी सारी चीजें अलाइंड होगी तो भाग्य तो तोड़ेगा। हाँ हम टुकड़ों में ढूंढ रहे हैं सोल्यूशन, इस वजह से नहीं मिल रहा है, ठीक है। लाइफ को अगर अलाइन करना है, मैं बताता हूँ, मेरा एक हाँ नेक्स्ट टाइम एक कोर्स आएगा, अभी आने वाला है, बहुत तगड़ा कोर्स है वो, उसमें न्यूमरोलॉजी, आपका एस्ट्रोलॉजी, फिर वास्तु, ठीक है, और प्रोनोलॉजी, मतलब आपके नाम के ऊपर का नाम के टोटल को ठीक करना, ये होता है आपके पर्सनल लाइफ को अलाइन करने का सही तरीका, ठीक ओके है। अगर ये चार चीजें सही तरीके से अलाइंड है, फिर आप जिस चीज में हाथ रखेंगे वो सोना होगा, कन्वर्जन होगा, लाइफ में बदलाव आएगा, आता ओके है, आता मैंने खुद अप्लाई किया है अपने ऊपर, आता है, देखा है मैंने, बदलाव किसको बोलते हैं, है आएगा ठीक है ना। तो ये सीखो आप लोग, सीखने के साथ साथ अपने लाइफ में बदलाव करना है तो इस वो कोर्स आएगा मैडम, वो थोड़ा सा दिवाली के टाइम पे उसको चालू करना है, क्योंकि उसका वो थोड़ा सा लंबा कोर्स है, वो ऐसा नहीं कि बस ये एक एक महीना 2 महीना वाला नहीं, वो थोड़ा सा 4 महीने के से के बराबर आएगा, तो क्योंकि बहुत सारी अभी चीजों मैं को एक साथ हमको अलाइन करना होता है उसमें। तो अभी कौन सा नंबर ले लूँ, कौन से कॉम्बिनेशन वाला, वो नहीं वन समझ में। वन टू का आप जो मैंने बोला था ना बैलेंसर, देखो बैलेंसर 5 5 हाँ फाइव इज ऑलमोस्ट सब नंबर के लिए बहुत फेवरेबल है, वन एंड टू के लिए तो है ही, ठीक है, वन एंड टू के लिए 5 इज वेरी वेरी फेवरेबल। तो टोटल आप ये रखना, पूरा कोर्स कर लो आप, क्योंकि पेयर्स भी है, पेयर्स के पीछे बहुत टाइम जाता है, पेयर को ढूंढने में ही 6 घंटा लगा मुझे और कुछ नहीं, टोटल भी फिर भी मिल जाता है आपको, 5 का टोटल 6 का टोटल मिल जाएगा, 1 का 2 का भी टोटल मिल जाएगा, बट आपको कपल्स को जो जोड़े है ना, जोड़े का जो इफेक्ट है वो समझ के फिर लेना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि होता यह है कि हम घर तो बना देते हैं, कॉन्ट्रैक्टर को पैसे देते हैं घर बनाते हैं, देखने नहीं आते हैं घर कॉन्ट्रैक्टर में जो क्या मटेरियल मिला रहा है, पता रहा घर में रहने लगे 1 साल के बाद क्रैक आने लग गया, बोला भैया क्या कर रहे हो तुम, इतना पैसा लेकर एक ही साल में क्रैक आ गया, तो हमने अंदर नहीं देखा क्या डाला है, हम सीधा जो है उसको एक अमाउंट पकड़ा के आ गए, तो ये काम नहीं करना, हमें अंदर देखना पड़ेगा क्या मटेरियल पड़ा हुआ है, तभी जाके मेरा घर जो है मजबूत है और टिकाऊ बनेगा, राइट, गॉट माई पॉइंट, मैं क्या कहना चाहता हूँ। यस तो आप सीखो पहले, बट ये कंसिडर करना है कि आपको 8 नहीं लेना है और टोटल में 5 आना चाहिए। एंड सर मतलब किसी भी मोबाइल नंबर में 7 चलेगा ना? 7 1, अभी मैंने 2 8 और 7 ये 3 नंबर ऐसे बताए, ये रिपीटेड मोड में नहीं होना चाहिए, 1 रहेगा तो चलेगा, बट 2 3 4 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अरे सिद्धि जी फंस गई मेरा क्या उनका, अच्छा, नेटवर्क इश्यू है, हाँ बोलिए बोलिए, मेरा 7 रिपीट हो रहा है, तो उसमें भी प्रॉब्लम है? बिल्कुल प्रॉब्लम है सर ओके बोले। आपको, आप हाँ 1 मिनट, आपका एफर्ट रिजल्ट नहीं देगा, सात सात ज्यादा रिपीट करेंगे ना आप, तो आपका एफर्ट आपको रिजल्ट नहीं देगा। और 3 थ्री इज गुड, थ्री वो नॉलेज सीकिंग में काम करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में काम करता है, लोगों को एडवाइस देने में बहुत अच्छा काम करता है, इवन सेल्फ एडवाइस के लिए भी बहुत अच्छा होता है थ्री। ओके okay. बट ज्यादा थ्री भी मत ले सर लेना, नहीं तो आप ज्यादा पैसे ना किताबों में और पॉडकास्ट वो अपना वेबिनार और इन सब में खर्च करने लग जाओगे। 2 3 इज गुड, 3 3 भी इज ऑल्सो गुड, बट 4 3 नहीं होना चाहिए। 4-3 है मेरे इसमें अरे भाई साहब, 9833-733-117। अरे बाप रे, 7 भी रिपीट हो गया, 7 3 7 3 कॉम्बिनेशन इज गुड, अच्छा है, लेकिन क्या ना ज्यादा रिपीट नहीं होना चाहिए, 7 3 7 3 2 ठीक है, बट इससे ज्यादा होने से फिर वही एनर्जी हावी होती है। हाँ, लेकिन मेरा 4-3 है, फोर 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 टू थ्रीज एंड सेवन 2 7 से है है। ना, हाँ, 4-3 and 2-7। ठीक है ठीक है। तो फिर आप एक काम करो, थोड़ा सा ठीक है ये, इसको हम लोग बैलेंस कैसे कर सकते हैं बता देता हूँ मैं आपको, आप सिर्फ छोटा सा एक काम कर लेना,
सीखो आप ना, अब लगातार लर्निंग पे रहो आप, लेकिन लर्निंग को बांटो भी, अपने अंदर सीमित मत रखना, नहीं तो फिर वो किसी काम का नहीं। भले ही आप कम पैसे में बांटो, लेकिन बांटना जरूर, क्योंकि साथ इज ऑल्सो त्याग, देना है आपको, जो सीखा अच्छा है वो देना है। ओके, शेयर ठीक है, नॉलेज शेयरिंग, हाँ, नॉलेज नॉलेज शेयरिंग, शेयरिंग, वो आप ओके ओके ब्लॉग बना के दो, वेबिनार करके दो, या नॉर्मली दोस्ती यारी में दो, देना है आपको बस। अब देने का काम करो, फिर इसका रिजल्ट आपको अच्छा दिखेगा। जी सिद्धि जी, कंप्लीट कीजिए, आपका कुछ रह गया था। एक एक यस सर, आप आपने बोला कि लकी नंबर के हिसाब से भी होना चाहिए, तो लकी नंबर कैसे समझे, मतलब लकी लकी नंबर नंबर जो की? भाग्यांक है, भाग्यांक एक लकी है आपका, और लकी जी नंबर का एक लिस्ट आता है जिसमें आपके मूलांक के हिसाब से कौन कौन सा नंबर लकी है, अनलकी है, उसको हम कंसिडर करें। उसका एक लिस्ट आता है जो मैं पढ़ाऊंगा ना, उसमें पूरा आएगा। जैसे आज मैंने पढ़ाया क्या, हार्ड कोर एनिमी, ठीक है, एक है सिंपल नॉर्मल, मतलब कम खराब खराब करने वाला दुश्मन, और एक है ज्यादा खराबी करने वाला दुश्मन। तो आज मैंने आपको ज्यादा खराबी करने वाले दुश्मन के बारे में बताया, ठीक है, जो एकदम बहुत ही नुकसान पहुंचाता है। जैसे अभी आपने 8 है आपका, 2 8 है, रिपीट हो रहा है, तो ये स्ट्रगल दे रहा है आपको। और 1 2 वालों के आपका 1 देखिए भाग्यांक है, और सॉरी 1 मूलांक है और 2 भाग्यांक है। मेरा भी 1 मूलांक है और 2 भाग्यांक है। मूलांक है, मेरा 2 मूलांक है, 1 भाग्यांक। ओके, ठीक है, उसमें भी चलेगा, 2 मूलांक है और 1 भाग्यांक है, तो उसमें भी चलेगा। इसका एंटी नंबर ही 8 है, अगर वो आ गया नंबर फोन नंबर के अंदर तो प्रॉब्लम है, नहीं रखना। मैंने हाउ अपना मेनी? एक पुराना नंबर फेंका है, उसमें क्या था, 3880, 3880, वो नंबर मुझे कुछ रिजल्ट नहीं दिया। उसको मैंने 7 साल रखा, 7 इयर्स, कुछ नहीं आया, एक फूटी कौड़ी तक नहीं आई उससे, जो भी काम मैं करता। इवन उसकी वजह से मेरे आधार कार्ड में 888 आ गया, ठीक है, आधा उसकी वजह से, बिकॉज उस नंबर, जब मैंने फर्स्ट टाइम आधार कार्ड बनाया था तो वो नंबर डाला था, ठीक है, और हर बार कोई ना कोई लोचा होता था, या तो पासवर्ड गड़बड़, कभी मैसेज नहीं आए, तो कभी सर्वर डाउन। जैस जिस दिन मैंने उसको चेंज किया है, उस दिन से एक ही बार में आता है पासवर्ड, जो ओटीपी आता है वो एक बार में आता मुझे भी ये नंबर कोई फायदे का नहीं हो रहा है, मुझे है। भी जल्दी से जल्दी चेंज ही करना है। जल्दी इमिडिएटली चेंज करना है, इसलिए कॉम्बिनेशन भी पढ़ लो, समझ लो, अपना बदलो, अपने दोस्तों का बदलो। अब सबसे पहले तो अपने घर का बदलना, जितने भी हैं अपने परिवार में सबका बदलना, जो भी अगर आपको एंटी दिख रहा है तो। मैंने बदला है, मैंने सबका बदल दिया घर में। मेरा फ्लैट नंबर 303 और 304 आता है, तो उसमें क्या है? 303, एंड थ्री थ्री नॉट नॉट थ्री इज गुड, 304 फिर भाई बृहस्पति और गुरु वाला इफेक्ट आता है, तो कई बार जो है मिस कहते हैं वो, मिसलीड होना, या कह लो कि ओवर कॉन्फिडेंस में डिसीजन ले लेना, जिससे नुकसान होता है। नहीं, 4 इज ऑफ राहु ना, हाँ तो चार, तीन राहु। तीन बृहस्पति के साथ राहु का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है ना। 303 इज गुड, बट 304 इज नॉट गुड, वो इल्यूजन पैदा करता है, ओवर ओवर एक्सपेंशन बोलते हैं उसको। हाँ, बहुत है हमारे घर में तो। हाँ मेरे लोसी ग्रेड में ये 4, 5 एंड 6 नंबर, मतलब पूरा जो डायगोनल लाइन है वो हाँ मिसिंग है, हाँ तो उसका तो फिर इलाज इसमें करना पड़ेगा, उसका इलाज करना हाँ, पड़ेगा। इसमें क्या, मतलब मैं क्या कर सकती हूँ? करना विशेष कुछ नहीं, उसमें क्रिस्टल्स आते हैं, वो भी पढ़ेंगे हम लोग, क्रिस्टल मैं बता दूंगा। एक्चुअली लोसो ग्रेड इसमें यहाँ पे इतना पढ़ाएंगे नहीं हम लोग, थोड़ा सा बेसिक ही लेंगे, लेकिन मैं बता दूंगा जब आप कोर्स करने लग जाओगे ना, तो उसमें बता दूंगा कहाँ पे क्या लेने से, छोटा छोटा मैं रेमेडीज बताता रहूंगा आप सभी। वो तो देखो मेरी तरफ से, मेरे हर कोर्स में या जितने पुराने हैं उनको सबको बताया, मैं कुछ ना कुछ दे देता हूँ, मतलब फ्लो में कुछ भी निकाल के बता देता हूँ कि ये कर लेना, ओके, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार, जी अरुण जी पूछिए। नमस्कार जी। सर मेरा मूलांक है 2 और भाग्यांक है 1 हाँ और एज है 60+, और मेरे को मटालम टोल की बड़ी आदत है, सुस्ती है, हेल्थ के इश्यूज हैं, मकान अभी तक नहीं बना पाया मैं, और सबसे बड़ी बात है कि मेरा 25-30 साल तक मैं मीडिया में रहा हूँ और आरजे भी रहा हूँ, और मतलब बहुत कुछ किया है मैंने, पर मीडियम स्टाइल में, मतलब ओके कभी नोटिस नहीं हुआ मैं,
हाँ बहुत ज्यादा हाइपर पॉपुलैरिटी नहीं मिला, हाँ जी बिल्कुल सही बस बात है, जहां जहां पे काम है, अच्छा ये लड़का अच्छा करता है इसको बुला लेते हैं ऐसे। बस इतना सा, वो इतना सा ही होता था, पर काम नहीं मिला कभी। और समझ गया। मैं फाइनेंस से ऑक्यूपेशन के हिसाब से जुड़ा रहा हूँ, और ये आर्टिस्ट मैंने साइड बाय साइड हॉबी वो शुरू किया था, हाँ जी, तो तो इसको आपका मतलब आपका जो सबसे पुराना नंबर है, जिसको सबसे ज्यादा लोग जानते हैं, हाँ जी, उसका टोटल कितना है? उसका टोटल आ रहा है कि टोटल मैंने आप करके रख 60 के हैं, आपको दिया, हाँ 60 के हैं, देख छप्पन के लगता नहीं आप 60 के हैं। छप्पन टोटल आ रहा है, और 11 आ गया तो 2 हो गया एक उसका। दो आ गया। हाँ चलो, एक एक अच्छी बात होगी कि ये कनेक्ट हो, कनेक्ट कर रहा है आपके ओके मूलांक के साथ, ठीक है। ओके लेकिन दो अगर से देख लो, मैंने अभी भी बात कही थी, 2, 8 और 7, इसको टोटल में भी नहीं रखना है आप, 2, 8, 7 टोटल में भी नहीं रखूं। नहीं रखना, क्योंकि स्पेशली 2 के बारे में बताता हूँ, 8, 7 हम पढ़ेंगे आगे। दो क्या करता है आपके लाइफ को, ऐसे ऐसे देखो ग्राफ में ना, ये अप्स एंड डाउन्स करता है, अप्स एंड डाउन्स, स्टेबल नहीं करने देता कभी, हमेशा अप डाउन ऐसे अप डाउन अप डाउन, मतलब अप डाउन चलता रहेगा स्ट्रिंग की तरह, रहता ये कभी भी स्मूथ लाइफ नहीं देता, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता। एकदम से लगेगा यार मजा आ गया, बहुत कुछ आ गया, फिर एकदम से वो चला भी गया, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। फिर लास्ट टोटल मिनट पे सारी चीज मेहनत कर लो, सामने बिल्कुल डेस्टिनेशन है, मतलब टारगेट बिल्कुल सामने है, वो हाथ से फिसल जाता है। हाँ, ये 2 नंबर का प्रॉब्लम है। दो नंबर तो मतलब क्या करूं मैं इसको। आप अभी हम लोग जब पढ़ेंगे ना, लकी अनलकी, अभी पूरा न्यूट्रल नंबर, ठीक है, जी उसको ये पूरा कोर्स कर लो, कोर्स करने के बाद आपको पेयर का पता चलेगा, पेयरिंग के करने के बाद आप, क्योंकि आपका 1 एंड 2 का वो है कॉम्बिनेशन, जी 2 एंड 1 तो आपके मतलब लिए दो में पांच भाग पांच यंग इज बेस्ट, 3 3 एंड 5 इज बेस्ट, पर उसमें भी 5 इज सबसे ज्यादा बेस्ट, ठीक है। एक है। अगर आप 60 में भी आप कर, आपके अंदर एनर्जी को बढ़ाना है, तो 5 नंबर सबसे बेस्ट है, बट ओके ठीक इंटरनल कॉम्बिनेशन साथ में है अच्छा होना जी। बहुत जरूरी है। देखो यस। और सर मकान के लिए तो मकान के लिए पर्टिकुलरली नंबर्स के ऊपर खेलने से ज्यादा कुंडली और ये देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नंबर्स भी काम करेंगे। मकान का जो है वो 9-5 का कॉम्बिनेशन अगर में रहता है कुंडली में, तो वो रियल स्टेट मकान से देता है। 8-3 का कॉम्बिनेशन से भी मकान का इफेक्ट आता है, 83 है तो सही सर, 8-3 है। 9811478396 396 396, 98114 समझ गया, मतलब 8-3-9-6, लास्ट के 4 जो है 8-3-9, आपको तो मकान बनना चाहिए था, लेकिन सर। टोटल में 2 आ गया ना, बात बनते बात बनी ओ वो 2-3 बार, लेकिन फिर वो जुगाड़ नहीं हो पाया, मतलब हाँ वो दो पैसों तीन का चार जुगाड़ नहीं हो पांच छह पाया। बारी बनी लेकिन हाँ वही वही, लास्ट में 2 आ गया ना, देखो ये लास्ट के 4 नंबर दिला दे दे देता, लेकिन ये टोटल नंबर ने गड़बड़ कर दी सर। तो इसका अदरवाइज कोई ट्रीटमेंट है कि नंबर ना नहीं ना, बदला नंबर ही बदलना है, इसमें दूसरा जाए। कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल टोटका उपाय काम नहीं करता, इसको आपको बदलना ही पड़ेगा। बिकॉज इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, देखो मोबाइल क्या है, फ्रीक्वेंसी है ना, जी रेडियो फ्रीक्वेंसी है। बिल्कुल सबसे पहला रेडियो फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या था, जो वॉकी टॉकी वायरलेस में हम लोग पहले बात करते थे, ट्रंक कॉल होता था, जी जब बिल्कुल सैटेलाइट का कोई चक्कर नहीं था। लेकिन आज के डेट में ये जो है अब ह्यूज है, ह्यूज मतलब हर एक माइक्रोसेकंड में हम कितने सारे वेव्स को झेल रहे हैं, हमें ही नहीं पता, है ना, तो इसलिए ये इतना ज्यादा पावरफुल हो गया, टेक्नोलॉजी की वजह से ये इतना ज्यादा पावरफुल हो गया कि ये इस वजह से बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। देखो आप लोगों को अब अभी तक आपने वो पॉडकास्ट देखा कि नहीं, नहीं देखा मुझे नहीं पता, जिसमें बताया गया कि अगर आप अपने बेडरूम के अंदर मोबाइल को चार्ज करते हैं, तो आपके सोने के पैटर्न डिस्टर्ब होता है, सोने का पैटर्न, पर से इसके पास हो ही 2 रूम सेट तो क्या उस रूम में मत करो ना, जिस रूम में आप सो रहे हो उसमें नहीं चार्ज में लगाना, अगले रूम में लगाओ, जो क्या बोलते हैं किचन में भी तो कोई ना कोई पॉइंट होगा, या हाँ आपके डेफिनेटली ड्राइंग रूम में भी कोई ना कोई पॉइंट पॉइंट होगा, वहां पे डालो, हाँ बालकनी में सोने वाले भी रूम पे, मतलब बैल्कनी है वहां पे डाल दो, ओके ठीक है। इसलिए देखो मोबाइल नंबर को हम बहुत हल्के में लेते हैं, बिकॉज इसको हम डेली यूज करते हैं, ठीक है यार, कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर है, अरे ठीक तो है, छोड़ना क्या, अरे हाँ ठीक है, अपना फोन रख दिया कान के पास, सो गए बगल में रख के, तकिए के अंदर हाँ डाल के सो बिल्कुल गए, बिल्कुल बिल्कुल उसमें टिंग टॉन्ग मैसेज आ गया, नींद जैसे, यार कौन कर रहा है रात के 2 बजे मैसेज,
हो नहीं, गया? मैंने तो नॉर्मली 11 बजे रात का ऑफ टाइम लगा हुआ है, सुबह 6:30 ऑन होता है अपने आप ही। अच्छा, वो डाल दिया आपने, हाँ जी बिल्कुल। तो वो फिर भी ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा चार्ज करते वक्त, क्योंकि जितना ज्यादा रेडिएशन मोबाइल नहीं क्रिएट करता, उससे 10 गुना ज्यादा उसका चार्जर क्रिएट करता है रेडिएशन, ओके ओके ठीक है? वो हमारे लिविंग पैटर्न, और कैसा वेवी पैटर्न में, ब्लिंक की तरह। अगर आप, मैं कोई ग्राफिक डिजाइन बना के बोलूं तो ऐसा समझो कि मोबाइल लगा हुआ है, उससे वेव निकल रहा है, इस तरह से वेव निकल रहा है, वो बार बार आके आपकी फ्रिक्वेंसी को डिस्टर्ब कर रहा रेडिएशन टाइप। है। यस, ओके क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है। और इसको मैं इसलिए कंसिडर कर रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली मैं किसी के घर गया था, तो उनके हस्बैंड साइंटिस्ट है, उन्होंने एक ऐसा डिवाइस दिखाया था जिससे, मतलब हाइड्रोजन से वो एक पॉजिटिव आयन बना रहे थे, जो क्या करता है कि जिस कमरे में वो लगा रहता है, आप बाहर से कितना भी जर्म्स एंड वायरस लेके आए, उस कमरे में जैसे ही एंटर करेंगे तो जो भी वायरस और जर्म्स रहेगा वो न्यूट्रल हो जाता है, बिकॉज ऑफ उस कमरे में पॉजिटिव आयंस की मात्रा बढ़ी रहती है, इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, एंड दैट इज वायरलेस, ठीक है? वहां पर वो नहीं। और उसका टेस्ट करके दिखाया डिवाइस, और जो टेस्टर होता है ना अपना, नॉर्मल हम लोग जो टेस्ट करते हैं, उसके जी बीच में 5 फीट का डिफरेंस था, टेस्टर जल रहा था, कोई कनेक्टिविटी नहीं है लेकिन टेस्टर जल रहा है, ओनली बिकॉज हवा में पॉजिटिव आयंस है, ठीक है? इसीलिए जरूरी यह है कि जो हम मोबाइल यूज कर रहे हैं, मोबाइल का जो चार्जर है वो जब भी एक्टिव होता है तो नेगेटिव आयंस को वो रिलीज करता है, जो हमारे ब्रेन पैटर्न को डिस्टर्ब करता अच्छा है। इसलिए हम आज के डेट में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है ना, बहुत ज्यादा मेंटली, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, स्टेबिलिटी नहीं है दिमाग के अंदर। वेरी ट्रू सर। ये मोबाइल नंबर में आखिरी 6 डिजिट मैटर करते हैं, 5 करते हैं या 4 करते हैं? डिपेंड करता है आपका क्या काम है। मेरे जैसे मैं आर्टिस्ट हूँ, फाइनेंस हाँ, में हूँ। तो आप, आपके फाइनेंस में है तो 4, अगर ओके आर्टिस्ट है तो 5, 5 प्लस 6 भी, 6 भी। हाँ, क्योंकि आर्टिस्ट का माइंडसेट बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। फाइनेंस फाइनेंस तो ऐसे है, क्योंकि सर मेरे नेचर कुछ ऐसा है कि मेरा फायदा जहां हो रहा है, अगर वहां कोई और आ गया तो मैं अपना फायदा उसको ट्रांसफर कर देता हूँ, मतलब खुद मैं सफर कर लेता हूँ, ये ये हो जाता गलत है। है, तो गलत है ना, मेरे तो को यूनिवर्स असाइनमेंट भी मिला बोलता है कोई तथास्तु, कुछ नहीं मिलने मेरे को वाला। असाइनमेंट मिला और हाँ, मैंने मतलब किसी और ने कहा यार मुझे जरूरत है, मैंने कहा अच्छा तू कर ले यार कोई बात, मतलब ऐसा हो जाता है। नहीं देखो, आपको पता है कि अगले की सही में जरूरत है तो फिर देने में कोई दिक्कत नहीं, वो तो हो गया उपकार, ठीक है? आपको पता है अगले कोई जरूरत नहीं है, बहुत मस्त चल रहा है, बदमाशियां कर रहा है, तो फिर वो देना क्या बेवकूफी है ना। सर एक शब्द होता है ना चमचागिरी, बटन हाँ, लगाना, तो वो जो कोई यस, ऐसा कर देता तो मैं तो पिघल जाता। नहीं कहता ना, पिघलना नहीं है, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, ये ओवर सेंसिटिवनेस दे रहा है ना, 2 नंबर आपको। तो 5 कर लूँ मैं इसको। हाँ, इसको 5 करना है और आप प्रोफेशनल बन जाएंगे, देना दूना कुछ नहीं है भाई, मेरे पल्ले आया है, मेरे मेहनत से आया, मेरे नाम से आया है, नहीं मिलेगा, साफ। मेरा नाम यूज करके लोगों ने किया है। अच्छा हाँ, करेंगे ना 2 नंबर वालों के साथ, ये तो प्रॉब्लम है। मेरा भी नंबर है, मेरा भी जो अभी प्रेजेंट का नंबर है, जिसको मैं उस तरह से अभी तक, जैसे 1 साल हो गया है, तो उसमें सिर्फ कॉल आता है, मैंने फट से उसको काट के दूसरे वाले नंबर से उसको मैं कॉल करता हूँ, क्योंकि वो उस नंबर में मेरा सारा पेटीएम एटीएम है, ये वो सब कुछ है उसी नंबर से, इसलिए मैंने उसको अभी तक ड्रॉप नहीं किया। तो अभी मैं धीरे धीरे बैंकों में भी जाके वो एप्लीकेशन देकर उसको चेंज करवा चुका हूँ, सिर्फ जी मेरा एक बैंक का बचा हुआ है, और उसमें पैन नंबर में अपडेट नहीं हो रहा है, उसको कर लेना, उसके बाद में मैं एक नंबर बंद कर दूंगा। इसमें भी टोटल 2 आता है, और मेरे साथ ये हुआ है कि मेरे यूट्यूब के कंटेंट को लोग चोरी करके चला रहे हैं, उनको ज्यादा पैसे मिलते हैं, मुझे उस हिसाब से नहीं मिलते, यूट्यूब पे नहीं करता, मतलब ओके रिप्ले कंपेटिवली करके कम उनको पे पैसे मिल करता रहे है। हैं। यस, मैं आपको अपना उदाहरण बता रहा हूँ। सर अपना YouTube चैनल का वो लिंक भी यहाँ शेयर कर देंगे आप? आप लोग सर्च कीजिए एस्ट्रो जेमिनी, एस ओ ASTROGEMINI, ठीक ASTROGEMINI। है। अच्छा एक और चीज पूछ सकता हूँ, हाँ मेरे नंबर में जो आखिर में 96 आ रहा है, हाँ इसका कोई खास सिग्निफिकेंस है? नहीं, 96 इज गुड, 96 मनी फ्लो वर्क फ्लो को बनाए रखता है, उसमें कोई दिक्कत, वो बहुत अच्छा नंबर है लास्ट का 96। अच्छा सर एक खास मैं इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, हालांकि पब्लिक हो रही है वो, आई एम ए बैचलर एज ऑफ, तो हाँ,
उसके बावजूद मतलब मेरे को जैसे मतलब आते रिश्ते। नहीं, वो तो आते हैं, वो अभी भी वो तो हैं, अभी तो हाँ ऐसा लगता है जैसे कि 3 4 लोग वेटिंग में है, ऐसा भी लगता है, अच्छा बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर क्या मतलब, शुरू से ही मैं 22 साल की उम्र से ही मैंने सोच लिया था कि मैं शादी नहीं करूंगा, तो वेरी गुड, वो मैं डिसीजन पे अटल हूँ मैं। बहुत तो अच्छा। मुझे मतलब 96 में किसी ने ये बताया कि आपके मल्टीपल अफेयर हो सकते हैं, जबकि मेरा तो एक भी नहीं है। तो तब 96 में तो आपके पास मोबाइल न्यूमरोलॉजी नहीं था ना, वो ओके तो अब मुझे हाँ, पता ये चल, बात है, ये वो आगे तो मैं सन दो हजार कुंडली में ही वगैरह आया है, देखूंगा तब ये पता 24 चलेगा। साल हो गए सितंबर को। हाँ राइट जी, सर। तो इस मोबाइल नंबर में एटलीस्ट अफेयर वाला तो कोई कनेक्शन नहीं बना है, नहीं तो हो चुका होता अब तक। ठीक है अच्छा एक और नंबर है, उसकी छोटी सी चीज पूछना चाह रहा हूँ, हाँ, इसमें 4 बार 7 आ अरे और भाई, मूलांक 2 है, भाग्यांक 7 है, टोटल और टोटल 43। 7 है वापस। हाँ जी बहुत हाँ, ज्यादा 7 की एनर्जी है। ये तो आपका ही इसमें नंबर है? कोई है? नहीं मेरा नहीं है, किसी जानकार महिला है, ओहो, आखिर महिला है तो उनका भी लाइफ ऐसे ही होगा, वो धीरे धीरे उनका कोर्ट अकल की ओर केसेस है, जाएंगी। कोर्ट केस है उन। हाँ तो आया ना, जब वो उनका ध्यान अकल में नहीं गया, भगवान भक्ति पे नहीं गया, तो वो कोर्ट पे ले गया, कहीं नहीं तो सर, जाएगा एनर्जी। वो तो सब कुछ चल रहा था, लेकिन उन्होंने अपने ब्रदर की शादी कराई, तो उसकी मतलब भाभी ने मतलब जो है कट डाइवोर्स, करवा दिया, तो उसमें 7 के आगे 6 है क्या? नहीं उस सर, नंबर में सिक्स एक भी सिक्स कंटिन्यू नहीं है? है, नहीं सर, एक भी 6 नहीं है? नहीं सर, 4 7 है, तो एक एक है, 1 9 है, 1 4 एक 5 है। जो 777, 4 7 एक साथ है। नहीं सर, शुरू के 77 और आखिर हाँ में 717। आखिर के 717, और जो 717 का जो उसके पहले क्या नंबर है? सिक्स, 5। फाइव हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक। नहीं ठीक है, वो रिजॉल्व हो मतलब जाएगा, इनका जो प्रॉब्लम है ना, जो कोर्ट केस वगैरह है, वो सॉल्व हो जाएगा। 6 होता तो शायद ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता। केस 42 है। हाँ सॉल्व हो जाएगा, बट फिर भी मैं बोलूँगा कि ये जो साथ साथ इतना एनर्जी नहीं रखना चाहिए, 7 की प्रॉब्लम होटल क्या क्रिएट करता है। लेके आए? अगर वो अकल्ट करती होगी तो फिर भी थोड़ा सा कंसिडर हो जाए, या मेडिटेशन वगैरह करती है या ऐसा कुछ करती है ना। थोड़ा बहुत करते हैं हाँ तो तो उसमें थोड़ा सा हो सकता है 7 की एनर्जी, बट फिर भी अगर नहीं लो, ना ही लो तो अच्छा है। अभी भी जिसने अल्फा जी, अल्फा अल्फा नाम से था, उन्होंने बोला कि 7 जब से लिया है तब से वो दुनियादारी से कट रही है, अब अच्छा नहीं लग रहा, तो ये टोटल सारा प्रॉब्लम। क्या सजेस्ट करेंगे सर? इनको नंबर बदल लेना चाहिए। टोटल हाँ पांच अब इनका सर, डेट ऑफ बर्थ एक्चुअली क्या, उसके ऊपर डिपेंड करता है ना सर। सर 29 दिसंबर 1982 और टाइम, ये मूलांक कितना बताया था आपने? 2। दो? नहीं एकदम नहीं, मतलब वो करो, चेंज करो, इमीडिएट चेंज करो। कौन सा नंबर, टोटल कितने पे 5, लिखे? 5 में भी 4114 या क्या? 4-1 हुआ तो सबसे बेस्ट, उसके अल्टरनेट बाकी जब लेना है तो ले लेना, जो मिल जाए। बहुत टाइम मार दिया, पता नहीं, लगता है जब से ये मोबाइल के कोर्सेज शुरू हुए ना, सारे 5 नंबर गायब हो गए, अरे ना वही तो है ना, सारा का सारा लोचा इसी का 5 का ही तो है, क्योंकि 5 में बैलेंस है, वो गए। ऑलमोस्ट हर किसी में लग जाता है, और हाँ, उसी का सारा लोचा है, मिलता ही नहीं है, बिल्कुल सही बात है, इसलिए मिलता तो नहीं तो बैठना फिर पड़ता है। कॉम्बिनेशन बड़े खराब है। सो नाइस ऑफ यू सर, ग्रेटिट्यूड सर, चलो, थैंक यू मोस्ट सर, वेलकम, डबल मोस्ट वेलकम। ग्रेटिट्यूड हाँ जी सर। मेरा एक पर्सनैलिटी मिनट रुको, एक नंबर मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। कौन है बोल रहा है एक सर? सर, सर मैं हाँ, अल्फा मैं, बोल रही थी, अल्फा पूछ रही हाँ थी। बोलिए, पूछिए। अकल के लिए वैसे कौन सा नंबर टोटल में सही रहेगा, जैसे अगर फाइव अकल्ट फाइव में अकल्ट में अगर बिजनेस करना बैलेंस है, पैसा कमाना है, तो 5 अच्छा, तो 5 किसी भी फाइव बैलेंस के लिए, क्योंकि वैसे भी मेरे लोसो ग्रिड में एक्चुअली 5 मिसिंग ही है, हाँ तो रखना ही तो पड़ेगा उसको, अब तो रखना ही है मोबाइल नंबर का हम लोग दे सकते हैं उसका मतलब रेमेडीज में, मोबाइल नंबर का 5 वाला ले वो। सकते हैं। हाँ 5 वाला ले सकते हैं, ये बता सकते हैं, अगर उसका किसी का भी लोसो ग्रिड में मिसिंग है तो बता सकते हैं। ओके सर, बाकी थैंक उसका डेट यू ऑफ सो बर्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या बोलते हैं, मूलांक भाग्यांक सब कुछ देखो, ऐसा नहीं है, ये मच। कॉमनली ऐसे मैंने बताया, बट चेक करना जरूरी है। हाँ, हाँ बबीता जी बोलिए, क्या पूछना चाहती हैं? ये नमस्ते सर।
नमस्ते। आपका पहली बार ज्वाइन किया, अच्छा लगा। और थैंक यू। मेरा नंबर, मेरे हस्बैंड का नंबर 9877 लास्ट में है, अरे भाई, ट्रिपल तो कैसा सेवन रहेगा? लास्ट में 9877, 9877 लास्ट में है, शुरू में 9445 09, नाइन नाइन कैसे एट हेलो बाय नेचर गुस्सा करते हैं क्या? जी। नहीं, गुस्सा तो है ही, वो तो यूपी वाले हैं पहले, तो हाँ गुस्सा तो तो नहीं, गुस्सा मतलब रहेगा। दिखाते हैं या सप्रेस करते हैं, वो मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, सप्रेस करते हैं, दिखाते हाँ नहीं, बस है। यही तो मैं बोल रहा हूँ, वो इतना आराम से नहीं गुस्सा करते, बस सुन लेते हैं। हाँ, नाइन डबल लेकिन नाइन जिस दिन, शुरू में। हाँ हाँ जिस बोलो। दिन फटते हैं ना, मतलब फटना जिसको कहते हैं, ब्लास्ट होना, हाँ जी, बहुत। उस दिन भाई हाँ कोई नहीं बचा सकता, सामने कोई खड़ा नहीं सकता, थर थर कांपता है, हाँ तो कहते ना हाँ तांडव होता है। हाँ ऊपर से आपने उसको साथ साथ करेक्ट साथ भी दे दिया, तो अब क्या बताऊं मैं। छोड़ो उसको, हटाओ जितनी जल्दी हो सके, डिलीट कर मतलब हटाओ इनको। नंबर इनको इनका हटा। टोटल 3 में आना चाहिए, इनका अच्छा, टोटल 3 में आना चाहिए, तब ये सप्रेस करना भी बंद करेंगे और गुस्सा करना भी बंद करेंगे, नहीं समझ तो आ जाएगी अच्छी। और इनका जो है, ये नहीं है, जन्म तारीख 9162 है, तो फिर उस हिसाब से दो नंबर बन रहा है। दो टोटल में दो बन रहा है, और मुलांग जो नहीं, है वो टोटल नाइन है। 29, टोटल 29 बन रहा है, तो 9 तो 11, 11 का दो बना ना, नहीं, 9 2 मतलब हो गया 2 2। 29 है टोटल, 19162 है, हाँ तो तो दो नौ बन दो गए। का हाँ 11 हुआ, तो वापस 2 हुआ ना मैडम। हाँ 2 हुआ। हाँ हाँ तो 2 हो गया है, उधर है मुलांग जो है उनका 9 है, 9 और 2 19 एक है, 19, मुलांक एक। हाँ मुलांक यस, एक है, एक हाँ मुलांक एक है, है। 2 भाग्यांक है, हाँ तो इनके लिए 3 और 5 अच्छा रहेगा, 3 सबसे बेस्ट रहेगा। अगर बहुत गुस्सा सप्रेस करते हैं तो उन लोगों के लिए 3 इज बेस्ट, 5 से भी ज्यादा अच्छा काम करेगा। और सर, मेरी है नाइन, मेरा टोटल, मेरा मूलांक है 4 हाँ और भाग्यांक है 7 25, हाँ हाँ तो वो, और मोबाइल नंबर 8 आ रहा है। 25 साल, नहीं अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आप तो कुछ का, आप मतलब क्या बोलूं, मतलब आप सिर्फ सोचती सोचती रह जाती हैं, बैठ के एक्शन नहीं हो जी, पाता। तो उसमें क्या चेंज क्या हो चीज़, पढ़ो ना आप लोग, पढ़ो ना, एक दिन में बताने की चीज थोड़ी है। है? नहीं नहीं आपको अगर ऐसे चेंज करना मोबाइल है, नंबर को देखो चेंज मैं कर नहीं बताता, सकते, मोबाइल नंबर आपको तो भी सब जगह। यही तो, अभी इतनी देर से तो यही समझा रहा हूँ, अभी नहीं, एक दिन में चेंज नहीं होता है। जी हाँ, रिसीव, नया नंबर लेकर लगा लो, रिसीव करो पुराने नंबर से, डायल करो नए नंबर से, ऐसा ओके आसान ठीक उपाय। रिसीव है। करो पुराने नंबर से, डायल करो नए नंबर से, जितनी बार रिपीट होता जाएगा सबके पास वो नंबर जाता रहेगा, और उससे अच्छा क्या होता है कि आप पुराना नंबर यूज भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ पुराना नंबर है। ठीक यूजेज है, के ऊपर ही वो हमारी लाइफ में इफेक्ट डालता है, जितना ज्यादा हम यूज करते हैं हमारी लाइफ में इफेक्ट आते हैं। अच्छा ठीक है, जी, हाँ थैंक यू जी, सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू प्रभाजी सर। जी बोलिए, प्रभाजी बोलिए, गुड जी सर, गुड इवनिंग सर। इवनिंग। सर, मेरा मोबाइल नंबर का टोटल इज 3 एंड मूलांक इज 4 एंड भाग्यांक 9 है। आई एम अबव 40, 42 हूँ मैं, ठीक है? तो इसमें हम भाग्यांक देखेंगे, वर्क करेगा? हाँ, भाग्यांक वर्क करेगा, नाइन ओके, 9 ले सकते हैं और 3 को भी ले सकते हैं, 3 है ऑलरेडी आपका मोबाइल थ्री है का ऑलरेडी, टोटल, तो मोबाइल इट्स नंबर में भी हाँ 3 3 आ रहे हैं। हाँ लेकिन इंटरनल कॉम्बिनेशन देखना जरूरी है, ये न, जब से आपने नंबर लिया है कैसा रिजल्ट है इसका, रिजल्ट इज अभी तक ओके ऑब्जर्व भाई, नहीं किया। काम तो कोई होता ही नहीं है पूरा। 7 तब तो अंदर बैठा होगा ना, 8 7 ये बैठा होगा नंबर में। 7 8 से तो शुरू होता है नंबर। तभी तो नहीं बन रहे, लेकिन टोटल 3 है, काम नहीं बन रहे, आप बोल रहे तो उसका गड़बड़ वही है, एंटी बैठा हुआ है अंदर, सात तो वो आठ तो में सीरीज ही तब वो चल रही थी ना, जब ये नंबर लिए हाँ थे, वही बहुत ना, टाइम हो गया ना, बहुत टाइम हो गया, तो सेवन यही एट सबका तो उसके लोचा है। स्टार्टिंग देखो में है। नहीं, अब ये जितने BSNL वाले हैं, जितने, ठीक है, दिस इज नॉट BSL, दिस इज नहीं, जियो। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी अच्छा आपकी अच्छा बात, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जितने BSNL है जो 9-4 से शुरू होते हैं। हाँ सबसे पहला जब नेटवर्क पे लिया, यार BSNL ही खराब है, पता नहीं किस भाग्यमती मारी गई थी जब BSNL लिया, ये बात बोलते हैं, गुस्सा आता है। 9-4 राहु मंगल, जिसने BSNL नंबर लिया वो बेचारा, उसका मतलब दिन जो है ना वो गुस्से से ही शुरू होता है, बिकॉज ऑफ उसका सर्विस, ठीक है।
तो 9-4 क्या कंसिडर हुआ, मतलब जरूरत से ज्यादा हाई एनर्जी उसमें भरा हुआ है, बट उसका डिलीवरेंस नहीं है, जितना एनर्जी हाई है उसका डिलीवरी जो देना चाहिए वो नहीं दे पाता, इस वजह से गुस्सा जो है अंदर क्रोध बढ़ता है और उसका अपना आप खुद का काम खराब होता है। ठीक तो है, इसको डिलीवर करने के लिए विच नंबर इज बेस्ट? अब 7-8 है तो अब विच नंबर के, इसको छोड़ना ही पड़ेगा, आपको बंद करना आप तो पड़ेगा। कह रहे थे सर लास्ट के नंबर का कॉम्बिनेशन अच्छा ज्यादा अच्छा होना चाहिए, ला स्टार्टिंग बताइए का क्या मतलब है लास्ट का, क्या है 4 बताइए, 1330। आ गया 0, खत्म कहानी। ऐसा मत करो, ऐसे कैसे खत्म कहानी। जी लास्ट का 0 अगर है ना किसी नंबर में, तो वो आपको लेके जाएगा एक एक पॉइंट तक हाइट में, फिर वापस जमीन पे ले जाएगा 0 में। हाइट पे तो गए नहीं ना, तो जमीन पे कैसे आएंगे? द हाँ तो वही, प्रॉब्लम इज कि अब हम वही ना, हाइट पर नहीं पहुंच रहे। कनेक्टिविटी बन नहीं पाई ना। 7-8 शुरू में ओके है, 7-8 शुरू में है, तो शुरू में ही कनेक्टिविटी नहीं बन पाई, आप ख्वाब देखते रह गए। वो क्या, मैंने कुछ नहीं कहा, उसने कुछ नहीं सुना, मैं ख्वाब बुनता रहा और दिल की बात बोल ना सका, यही बात रह गई है बस। ठीक है सर। पर ठीक डबल 4 और है, 444 क्या रिजल्ट देते हैं? बहुत वो लिटिगेशन देते हैं, 444 फिर भी कंसिडर करते हैं, बट 444 लिटिगेशन देते हैं, कोर्ट केसेस या पड़ोसियों के साथ इशू, प्रॉपर्टी में इशू, ये सारी चीजें देते तो अब बेसिकली नंबर चेंज करना चाहिए टू डू हैं। एनीथिंग लाइफ, एब्सोल्युटली यस, चेंज करना ही पड़ेगा। मतलब करियर तभी शुरू होगा नहीं तो नहीं होगा। अभी हाँ जी, 42 की हो गई समझ हूँ, में आ गया, करियर नहीं बताओ, शुरू हुआ। अब सर जाके समझ में आ रहा, तो फिर भी अब क्या बोलूं मैं, बताओ। आप पहले मिले होते तो पहले समझ आ जाती ना ये बात। सही बात है। जी सर, थैंक यू सो मच सर। मोस्ट सर वेलकम। यूट्यूब चैनल आपका मिल नहीं रहा, बोल सकता एस्ट्रो हूँ? जेमिनी करी में कोई फॉरेन चैनल आ रहा है, अच्छा रुक जाओ 1 मिनट, अभी पूछ सकता हूँ? एक लिंक शेयर कर आप देंगे पूछिए सर? पूछिए, 1 मिनट, फर्नांडिस से कुछ पूछ रहे हैं, पूछिए, हाँ मैं शेयर कर देता हूँ, मैसेज में डाल दूंगा। मैं ये बोल रहा था कि मेरा पर्सनालिटी नंबर है 1 और डेस्टिनी नंबर है 3। 3, 1 एंड 3। थ्री थ्री डेस्टिनी इज 3 एंड पर्सनालिटी इज 1। ओके, यस यस एंड ऑलरेडी ये 3 एंड 1 इज ऑलरेडी देयर इन माय नंबर, मतलब 1 इज देयर नियरली 3 टाइम्स एंड 3 इज देयर 4 टाइम्स। 1 is there for 3 times and 3 is there for 4 times। यस अरे वाह, हाँ ठीक है, वेरी गुड। सो व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन, जब से आपने ये लिया है आपका ऑब्जर्वेशन क्या है, क्या क्या? देखो ये तो लिया हूँ ऑलमोस्ट 20-22 years back, बट उसके बाद फॉर द इनिशियल 10 years एवरीथिंग वाज ओके, बट आफ्टर दैट देन एवरीथिंग स्टार्टेड गोइंग हेवायर फ्रॉम द लास्ट एंड का, एंड का नंबर, एंड का 5 नंबर बताइए। 3-3-1-1-3-1-1-7। 3-3-1-1-7। जी और शुरू का पहला, पहले का जो 5 नंबर है, 9-8-3-3-7-3 अरे 9-8-3-3 आ गया ना, गड़बड़, चार बार आ9-8-3-3, रहा 3 4 बार आ रहा है, वहां पर 8-3 का कॉम्बिनेशन जो मैंने अभी भी कहा था कि है। 8-3-3 मेरे पास भी था। ठीक है, ओके अब ये क्या होता ना, देखो शुरू के 10 साल जो आपको मिले वो लास्ट के जो 5 नंबर उसने दिया, ठीक है, ये बूमरैंग होता है, ये जरूरी नहीं है कि हर किसी के पास सेम ही अप्लाइड हो, कभी कभी ओके किसी के लाइफ में पहला 5 नंबर पहले रिजल्ट दे देता है और दूसरा 5 नंबर बाद में रिजल्ट देता है, बाद में बट देता। आपके साथ जस्ट ऑपोजिट हुआ है, पिछले के 5 नंबर ने पहले रिजल्ट दिया है और बैक के शुरुआत के 5 नंबर में लास्ट का रिजल्ट देना चालू किया। 8-3 इज स्टक मनी, पैसा रुक गया। इट इज स्टक मनी। ओह या हाँ एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। एग्जैक्टली, देखो यही बोल रहा हूँ, तो ये हाँ डिपेंड्स, ये कई बार लोगों के, वो डिपेंड करता है, कई बार लोगों के लाइफ में पहले 5 डिजिट आते हैं, कई बार दूसरे 5 डिजिट आते हैं, इसलिए मैंने बोला टोटल देखना है, दसों के दसों डिजिट को देखना है, तभी जाकर इसमें क्या, अब ना तो 10 साल पहले 10 साल बाद के कोई बात ही नहीं रहेगी, सब सही रहेगा, गॉट माई तो पॉइंट? हाँ ये चीज, इन विद दिस मतलब ट्रेडिंग भी करेगा ट्रेडिंग? यस, ट्रेडिंग के लिए तो 8-3 सबसे डेंजरस चीज है, होना ही नहीं चाहिए। डेंजरस है ना। हाँ 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 हाँ
वो चेंज बहुत करना डेंजरस जरूरी है, है, बहुत बिल्कुल बिल्कुल चेंज जरूरी है। करो सर। ओके okay. आपका ट्रेडिंग के लिए 5-6 का कॉम्बिनेशन रहना चाहिए, 2 बार 5 2 बार 6 ले सकते हो आप, ऐसा नंबर दो बार ढूंढो। फाइव 2 बार 6 हाँ ओके okay. और टोटल क्या होना चाहिए? अच्छा टोटल कितना है आपका भाग्यांक, कितना बताया था आपने, पर्सनालिटी अभी मेरा नंबर? पर्सनालिटी नंबर 1 है, पर्सनालिटी नंबर 1 है और ठीक डेस्टिनी नंबर 3 है। है। हाँ टोटल 5 ले सकते हैं आप, 3 भी ले सकते हैं, 3 इज ऑल्सो कंसिडर, 3 एंड 5। 3 और 5 और ओके। अदर और अदर उसमें कॉम्बिनेशन भी लेना, अब क्योंकि कुछ कुछ बैड कॉम्बिनेशन या न्यूट्रल कॉम्बिनेशन भी आ जाए तो उसमें भी होता है, तो वो एक बार कोर्स कर लो और सारा का सारा अच्छा वाला पेयर ले लो, ऐसा नहीं ओनली डबल पेयर डबल सिक्स ही ले लिया फिर नहीं वही नहीं आ नहीं गया कि दोबारा कुछ और दूसरा रिपीट हो गया तो हाफ गड़बड़ कर नॉलेज इज डेंजरस, दी। बराबर। यस यस एब्सोल्युटली, हाफ नहीं नॉलेज सुपरली नहीं डेंजरस। हाँ बराबर, ठीक है, ओके सर। मोस्ट वेलकम मोस्ट। अभी मैं एक ये शेयर कर देता हूँ आपको, ना इसमें चैट कहाँ पर है, एक मिनट, चैट का ऑप्शन आ गया। हाँ देखते हैं, ये देखो मैं लिंक डाल रहा हूँ, ये मेरा लिंक है। हाँ ये देखो लिंक, यही मेरा यूट्यूब चैनल है एक्चुअली, उसमें पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी के ऊपर ही ज़्यादातर है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी या न्यूमरोलॉजी के ऊपर अभी तक इसमें मैंने वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मेरा वो जो है उस एल्गोरिदम में है, मतलब कि पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी के एल्गोरिदम में फंसा हुआ है, तो उसमें मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कोई भी वीडियो नहीं चलता, इसलिए मैंने उस पर नहीं डाला। न्यूमरोलॉजी का एक धांसू सा कोर्स बनाकर, सॉरी कोर्स मैं बोल रहा हूँ, वीडियो बनाकर मैं अपलोड करूंगा उसमें नए नए एक चैनल पे, जिसमें अपना एस्ट्रोलॉजी का भी तड़का रहेगा, उपाय रहेगा, सब कुछ रहेगा। अभी स्टार्ट नहीं किया, स्टार्ट होने वाला। तो आप लोगों को देखो, न्यूमरोलॉजी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो हमारे लाइफ में नंबर्स जो होते हैं ना, उसकी फ्रिक्वेंसी जो है हमारे लाइफ में, वो हमेशा इधर से उधर शफल करती है। बट एट द सेम टाइम मोबाइल इतना ज्यादा इफेक्ट इसलिए करता है बिकॉज वो हमारी खुद की फ्रिक्वेंसी, मतलब हमारा जो ये शरीर है इसकी फ्रिक्वेंसी के साथ वो डायरेक्ट कनेक्ट होता है। तो आपका शरीर की फ्रिक्वेंसी कुछ और बोल रहा होता है और आपका मोबाइल नंबर की फ्रिक्वेंसी कुछ और बोल रही होती है, दोनों एक दूसरे को काट रही होती है, और इस काटने की वजह से ही स्ट्रगल है लाइफ। ठीक है, हमें क्या करना है, सिंक करना है, दोनों एक साथ हो जाए, मेरा मेरी फ्रिक्वेंसी, मेरे मेरे थॉट प्रोसेस की फ्रिक्वेंसी और मेरे मोबाइल नंबर की फ्रिक्वेंसी, अगर दोनों एक ही लेवल पे एक स्ट्रेट लाइन पे चलेगा तो वो लेजर फोकस होगा, तो जिस पे आप हिट करेंगे वो आपको मिलेगा। ठीक है ना, ये दीपाली जी पूछिए। सर, मेरा मूलांक 3 है और हाँ भाग्यांक 8 है, और मेरा मोबाइल का टोटल 6 है, 8087607213। 6 है, ठीक है, मतलब एक के लिए चलो 8 नंबर के लिए न्यूट्रल है, लेकिन 3 नंबर के लिए वो एंटी है, फिर भी चलेगा, बट आपको भी ना उस पे आना पड़ेगा, 5 में आना पड़ेगा। अच्छा आप क्या है, मतलब जब से आपने लिया तब से कैसा, क्या ऑब्जर्वेशन, क्या है, कितना साल हो गया इसको, इस नंबर को? सर सब मतलब पहले से यही नंबर है, आज तक मैंने चेंज ही नहीं किया। अच्छा हाँ तो कितने साल हुआ है उसको फिर भी? 12 इयर्स। 12 इयर्स हो गया, तो 12 इयर्स में क्या क्या आपको समझ में आया कि नंबर से क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ? मतलब मेरे काम जल्दी नहीं बनते, मुझे दो पड़ते हैं हाँ कुछ भी तभी बनते हैं। तो कितनी बार उसमें 7 और 8 रिपीट है इस नंबर पे? 808 2 बार 8 है, मतलब 8087607213 और 2 बार 7। हाँ बस यही लोचा है, यही प्रॉब्लम है, 8877 की एनर्जी आ गई है, और जिस वजह से काम आराम से नहीं बनने वाला, हर चीज में फाइट करना होता है, बिना फाइट किए कोई काम होता ही नहीं, मतलब सिंपल काम भी करने जाओ उसमें भी लाइन में खड़े रहो तो जैसे गेट तक पहुंचे दरवाजा बंद
ठीक है, ये होता है मतलब एन मोमेंट पे आके कहानी खत्म, फिर से वेट तो करो, कौन सा स्ट्रगल देता है। नंबर, तो तो कौन सा वो नंबर हम लोग जब अब पढ़ेंगे ना धीरे धीरे कि कौन से है? नंबर के लिए कौन सा लकी नंबर है, गुड नंबर है, न्यूट्रल नंबर है, न्यूट्रल कॉम्बिनेशन, लकी कॉम्बिनेशन, ये पढ़ेंगे हम लोग। तो आप अपने लिए हर एक का डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैं यहाँ पर बताऊंगा कि मूलांक और भाग्यांक के लिए कौन कौन का सा सूट करेगा, ठीक है। तो आप जो है अभी 40 तक पहुंचने में आपको बहुत टाइम है, तो आपको मूलांक को ही ज्यादा पकड़ना है। जो 40+ या 45+ वाले हैं उनके लिए भाग्यांक बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, ठीक है। ओके सर, ओके, चलो, थैंक यू मोस्ट सर। वेलकम, वेलकम जी। बबीता जी पूछिए, क्या पूछ रहे हैं। सर ये दीपाली जी मेरा हैंड्स डाउन कर नंबर लीजिए। कौन सा जाए, मेरे को कौन सा, मुझे कौन सा नंबर लेना चाहिए? मैडम बिना पढ़े बिना कोर्स किए कैसे सीखोगे आप? कोर्स करना पड़ेगा ना, नहीं वो तो पूरा है, अभी समझोगे जैसे तभी आप फोन, लोगे ना। अगर मोबाइल का नंबर अगर जैसे अभी लेना है तो, अगर कोई दूसरा चेंज करना है तो। तो चेंज करना है तो कोर्स करके फिर चेंज करो ना, अभी से मतलब वो अंधेरे में तीर चलाने वाली बात हो जाएगी, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। नहीं वो मैंने कहते अब हैं ना बताया अल्प था विद अल्प अल्प विद्या भयंकर बोलते हैं, एक शास्त्रों में कहावत है, नहीं, अभी हमको चीज आपने पे नहीं बताया ना जाना है। 13 तारीख के लिए बताया था, वैसे हिसाब से कि 13 तारीख है, हिसाब से हाँ, कैसा रहेगा? 13 तारीख है, 4 नंबर आपका था, फोर। हाँ हाँ तो और फोर सेवन का को है, उसमें देखना और पड़ेगा। सेवन हाँ, फोर एंड सेवन सेवन, सेवन राहु और भाग। केतु, हाँ राहु और केतु, तो राहु और केतु ही कंसिडर होता है वो, उसको कहा जाता है कर्म, मतलब इस जीवन में आपको क्या कर्म करना है वो राहु केतु डिसाइड करते हैं, ठीक है। आप क्या कर्म करेंगे वो राहु केतु डिसाइड करते हैं कुंडली में। अब न्यूमरोलॉजी में क्या होता है, 4 और 7 अपने आप, मतलब ये इसका कॉम्बिनेशन ऐसा होता है कि आदमी जो है खुद अपने एफर्ट से सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, लेकिन एफर्ट तो सही जगह पे लगना चाहिए ना। सपोज लग गया 8, आपके टोटल नंबर में 8 की संख्या ज्यादा है, 8 आ गया, तो फिर आप प्रॉब्लम क्रिएट होगा। 7 भी बढ़ा हुआ ऑलरेडी, क्योंकि 7 आपका भाग्यांक है, 7 और भी रख दिया तो 7 की एनर्जी बढ़ जाएगी। तो वो पूरा देखना पड़ता है, पूरा एकदम जिसको मैंने बोला ना कपल वाइज, एक एक जोड़े को देख देख के उसका मीनिंग क्या निकलता है वैसे निकालना पड़ेगा। ठीक ये है। ऐसे ही बस मैं आप बोले और मैं बटन दबा के बोल दूँ, ये ऐसा नहीं है, नहीं इसमें नहीं नहीं टाइम लगता वैसा है। नहीं, वैसा नहीं, वैसा हाँ, टाइम लगता है इसमें। मोबाइल अगर वो करते हैं तो इसलिए। नमस्कार नमस्कार जी, सिद्धि जी बोलिए। सर। मेरा एंड का मोबाइल नंबर है 509, कोई प्रॉब्लम है इसमें? 509, हाँ ठीक है, चलेगा। टोटल कितना है इसका, इस नंबर का? टोटल पूरे मोबाइल का 1 है। ठीक नहीं, इसको भी चेंज कर दो। मोबाइल नंबर चेंज करना पड़ेगा। एंड सर किसी भी दो एनिमी नंबर के बीच में अगर 0 आ जाए तो उसका इफेक्ट तो थोड़ा कम ही होगा ना? नो, वो है, उसको हम एनिमी नंबर ही पकड़ेंगे, जीरो का अच्छा कोई वैल्यू नहीं है, ओके ओके ठीक है। डिजिट आ रहा है ठीक है, बट न्यूमरोलॉजी में क्योंकि हम जोड़ते हैं ना, ऐड करते हैं, तो जीरो के साथ किसी चीज का कोई ऐड नहीं होता, तो हम नेक्स्ट नंबर को ही उसकी एनर्जी कनेक्ट करते हैं। बट इसके साथ मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मुझे एक्चुअली बचपन से ही, मतलब इसके पहले से ही बहुत सालों से मुझे शनि की 7.5 चालू है, तो एंड ये बचपन से ही मतलब 7.5 चालू, कैसा बोल रही है? ऐसे नहीं हाँ होता, आपका जन्म 7.5 में हो सकता है, मेरा भी ओके जन्म नहीं 7.5 में हुआ है, लेकिन साढ़े मैं मैं बताऊं 7.5 जो है एक लाइफ टाइम में 3 बार होता है, 3 बार आता है किसी के भी लाइफ टाइम। अगर वो अपना पूर्ण आयु मतलब 100 साल या 90 साल जीता है तो उसके लाइफ में 3 बार आएगा 7.5, ठीक है। मध्य आयु के लाइफ में, जिनका जो है मध्य आयु है 50-60 की उम्र तक वो जाते हैं, तो उनको 2 बार मिलेगा, ऐसा होता है। ये अलग बात है कि आप पैदा हुई हैं 7.5 चल रही थी, ये अलग बात है, लेकिन 7.5 लाइफ में 3 बार, अगर जैसे अभी अभी आप मिडिल एज में, तो मिडिल एज में आपको ये दूसरी 7.5। आपकी राशि क्या है? मेरी कैपिकॉन हाँ, तो 7.5 का अभी सेकेंड फेज चल रहा है, राइट, अभी चल रहा है 7.5। तो इसकी वजह से, एंड जैसे अभी मतलब मैंने नंबर के बारे में सुना तो इसकी वजह से भी बहुत, मतलब वो 7.5 की वजह से तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल फेस किया है मैंने आज तक। वो आप सीखो ना, आपको नंबर भी जब हम सीख लेंगे ना, आपके पास नंबर भी ऐसा आएगा, और 7.5 के लिए
मतलब जो आप इतना परेशान हो रही है ना, वो रास्ता क्लीन होता जाएगा। हाँ जब 7.5 का सेकेंड फेज का भी आखिरी फेज चल रहा है, हाँ इसीलिए आपके हाँ लाइफ में ये चीज आया, क्योंकि आपने जो झेला है उसका सलूशन देगा, शनि ही देगा जिसने आपको अच्छा झिलवाया है। मतलब जो आपको दर्द दे रहा था, पेन दे रहा था, वही आपको ऑप्शन दे रहा है कि पेन से कैसे बाहर निकलो। हाँ हाँ ठीक है, ओके वेलकम भाई। सर, हमारे तो मोबाइल का टोटल 50 आ रहा है, तो मतलब 5 आ गया, हो 5, यस। गया। जैसे 9074374169, 2 बार 7 है, तो हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, टोटल 5 आ रहा है। फिर से बोलिए क्या था टोटल, मैं पूरा नंबर, सारा नंबर बोले, 10 के 10। 9074374 हाँ, 7469 743 आ गया ना, गड़बड़ है, मतलब मत यूज करो, ये ओवर कॉन्फिडेंस देता है। वही बात कहते हैं ना, शॉर्टकट में आप, आपको लगता है कि अरे 4 क्लास पढ़ लिया, हो गया यार, अब क्या पढ़ना है, समझ में तो आ गया, लेकिन अल्टीमेटली आप जाके वो सिली मिस्टेक करके अपना ही बेड़ा गर्क कर लिया। 4 और 3, ये वो चीज देता जो मैंने बताया, अच्छा चेंज करो, ये एंटी है, बृहस्पति राहु अच्छा चांडाल योग बन रहा है। अच्छा तो जैसे कि टोटल 5 है तो भी कोई मतलब नहीं है इसमें, इनकी टोटल। देखो टोटल 5 में ठीक है, पैसा इनकम करवा देगा, लेकिन एन मौके पर ऐसी कोई गलती होगी कि जो कमाया था वो गवा देंगे। नंबर बिल्कुल सही। बोल रहा है भाई, आपका नंबर बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये नंबर आपका बोल रहा है। और सर गुड़िया के जो नंबर है वो टोटल 8 आ रहा है। अरे तो गुड़िया के लाइफ में बहुत स्ट्रगल हो जाएगा मैडम, 8 वाला नहीं, उसका मूलांक में 8 है क्या, मूलांक भाग्यांक? वो मूलांक का तो 4 है, उसका अच्छा, 22/11/2004 है ना। तब तो बिल्कुल ही मत रखो, बहुत स्ट्रगल दे देगा इसको, ये कुछ कर ही नहीं पाएगी, मतलब लाइफ में कुछ करना होगा ना इसको, बहुत थका देगा, थक जाएगी, लेकिन उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा, लगातार मेहनत करेगी अच्छा लेकिन रिजल्ट उसके हाथ में नहीं आएगा। 8 तो रखो ही मत, और 8 टोटल का 8 एकमात्र उन्हीं को सूट करेगा जिनका भाग्यांक 8 है और 40+ हो गया है, तब उनको रिजल्ट दिखेगा, अदरवाइज 8 का बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आता टोटल। मैंने अच्छा अभी भी तो कहा सर था दो अभी आठ और 2 7 8 ये नंबर टोटल के नहीं आना चाहिए, इट्स वेरी हॉरिबल। अच्छा तो सर अभी जैसे उसने दूसरा नंबर भी लिया है तो उसमें भी तो 4 बार 8 आ रहे हैं। अरे मैडम क्या कर रहे हो, मतलब क्या हाँ बोला, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। जी सर, मैंने अभी देखा है क्योंकि इतना देर से सुन रही हूँ मैं, तो मैंने कहा कि क्या बात है एकदम। टोटल 8, मतलब 4 8 ले लिया भाई साहब, सुबह से शाम तक परेशान रहने वाली बच्ची, हाँ अभी तो बहुत ही एकदम दुखी हो जाएगी वो लाइफ से, बोलेगी मम्मी मेरे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मैं सब छोड़ सर के आ रही हूँ बाईस तेरे पास, ऐसा बाईस डेट बोलेगी। ऑफ बर्थ वालों के डबल 8 4 आते हैं क्या मोबाइल में इजीली, मतलब जब तक पता ना हो सर तो आते हैं क्या बाईस नहीं वालों ऐसा के, नहीं, 22 वाले क्लियर के तो होती है 4 आता सर है, नहीं जरूरी नहीं है वो बाय डिफॉल्ट आ गया हो कि मेरे चार में वाले सर को हमेशा 8 4 8 मिले। आते हैं, मेरे में अरे भी नहीं मोबाइल नंबर आपको पता ही है अभी मत भी करो तो, मत करो, वो उसको बंद करो, वो हमें, वो कोई काम और ही बनने नहीं इसीलिए मेरे को देता। रिजल्ट नहीं मिल रहा ना, आप बताए भी हैं हाँ एस्ट्रोलॉजी में उसको भी बताए छोड़ो हैं सर। छोड़ो, बहुत डेंजर चीज है 888 या 4, बहुत डेंजर चीज है वो अच्छा पिंजरे में बंद किया हुआ शेर है, बस ये समझ लो आप, एक वर्ड में सारा पोटेंशियल है मेरे पास, मुझे पता है मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन हाँ अपने हाँ आप सर को हाँ सर पिंजरे के यही अंदर हो बंद रहा है करके सर, रखा हुआ। हाँ अब करती नहीं ये हूँ से पता चल रहा है ये चीज, इसलिए हो रही है यस, सर है ना। हाँ इंटेलिजेंट आजादी नहीं मिलेगी, नंबर में जादू है सर। आपको सुना ही होता है इंटीरियर की, इंटीरियर डिजाइनर, नहीं, इंटेलिजेंट पूरी है कि ओ कहाँ पे अच्छा कैसे क्या अच्छा बुरा सब कुछ अच्छा पता है अच्छा ठीक है, उसको, और हाँ फिर बाद में इंटीरियर काम कुछ नहीं होता नहीं जाना, नहीं जाना उसको, जितनी जल्दी हो सके डिस्कार्ड करो, फेंको उस नंबर को, दोनों फेंको दुआ, मतलब दफा करो, ही हम नंबर दे, को ये कर देती हाँ हूँ। दोनों ही अच्छा नंबर को चेंज करो, नया नंबर लो, पहले कोर्स करो उसके बाद नया नंबर लो, ऐसे नहीं, मतलब आज के को, आज के मेरे भाषण के ऊपर कभी जाके वो कंसिडर मत करना, कुछ भी मत ले लेना प्लीज,
सबको हाथ जोड़ के ये मेरी विनती जी है कि आज के ऊपर डिपेंड करके कोई भी नंबर मत लेना, पूरा कोर्स पढ़ो, समझो, अंडरस्टैंड करो, अच्छा ठीक है? ठीक है सर, ओके। तो बाकी कब से? तो जी बाकी जो है नेक्स्ट, शायद नेक्स्ट वीक से ही आप लोगों को वो मिल जाएगा, मैसेज मिल जाएगा, आप लोग व्हाट्सएप के जरिए जुड़िए, वो मैसेज में आ जाएगा कि कब से ये क्लास YouTube शुरू हो में रहा है। भी आता है क्या सर? ये YouTube में आएगा कि नहीं, ये मैसेज यूट्यूब में नहीं में? आएगा, अच्छा, नहीं यूट्यूब में नहीं आएगा। हमारे वाले में इसमें मैसेज में आ जाता है ना आपका PDF? हाँ, इसमें पीडीएफ सबसे लास्ट में मिलेगा, इसका एक बहुत सुंदर सा एक टेबल मिलता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आप वैसे नोट्स बना ले तो अच्छा है, मैं बोलता जाऊंगा बना लेना, बट एट द एंड ऑफ द कोर्स आपको एक बहुत सुंदर सा शीट मिलेगा जिसमें सब कुछ सुंदर तरीके से डिटेल में पता रहेगा, जिसमें आपको नोट्स मेंटेन करने का मतलब मेहनत नहीं करनी। वैसे अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लिखने में कोई बुराई नहीं है, लिखने से क्या होता है कि सबकॉन्शियस में अपने आप रिकॉर्ड हो जाता है, ठीक है? लेकिन आपको बहुत सुंदर सा एक शीट मिलेगा जिसमें इतना सिंक्रोनाइज तरीके से सजाया हुआ रहेगा कि आपको मेहनत ही नहीं करना है, सिर्फ वो शीट याद कर लेना, वैसे याद हो जाएगा सब। सर हेलो सर, उसका वो वॉच वाले का तो मेरे पास आ ही नहीं रहा, खुल ही मैडम नहीं वो कोर्स का इधर क्यों बात करते हो आप? रहा। अच्छा सॉरी, कोई कोई बात, चलो ठीक है। हाँ हेलो सर। जी, सो सर, लाइक मैंने कई बार देखा है कि मोबाइल सॉफ्टवेयर, मोबाइल न्यूमरोलॉजी के लिए सॉफ्टवेयर भी होता है, तो आप हाँ क्या होता है ना, कहोगे? होता है ना, वो तो अच्छा है, कैलकुलेशन के वाइज अच्छा है, बट मोबाइल सॉफ्टवेयर में सिर्फ टोटल बताते हैं, उसका कॉम्बिनेशन बैड गुड वाला जो है ना, जो आपको इसमें उसमें मिल जाएगा, एंड्रॉइड के इतना गूगल स्टोर में मिल जाएगा, उसमें टोटल वाला बताते हैं, ठीक है? कॉम्बिनेशन वाला नहीं है उसमें। नहीं, वैसे गूगल प्ले स्टोर वाला नहीं सर, मेरा ये कहना है कि कोई लोग जो ऐसे सिखा रहे हैं, हाँ इवन हाँ दे हैव देयर ओन सॉफ्टवेयर। हाँ वो बत्रा न्यूमरोलॉजी पर बोलो ना, नाम पता है मुझे, और सॉफ्टवेयर बेचते हैं वो। हाँ, हाँ वो सॉफ्टवेयर बत्रा है, सविता आपको, जी है, बहुत है मार्केट में। हाँ सविता जी हाँ है ये, सो तो लाइक आपको अल्टीमेटली मुझे बताओ ना, उस रेफरेंस सॉफ्टवेयर का क्या फायदा है? वैसे ही तो आपको आपको सॉफ्टवेयर, अगर आपको नॉलेज आ गई है, ठीक है, ये जो जो मैं आपको बताऊंगा वो नॉलेज समझ में आ गया, तो अल्टीमेटली आपको वोडाफोन के उसमें बैठ के ढूंढना पड़ेगा ना मैडम, तो सॉफ्टवेयर में क्यों पैसे लगाओगे आप? आप कोर्स करके समझ लो, राइट, तो वो वही वेस्ट है, मुझे वो वेस्ट जानना ऑफ मनी है, वहां पे जाना ही नहीं है, सॉफ्टवेयर खरीदना तो वेस्ट है है। ओके आपको। ओके ठीक, आप जब 10 से ऊपर मोबाइल को देखना समझना समझ में आ जाएगा ना, आपको वो शीट याद ही हो जाएगा। मैं कैसे बोल रहा हूँ अभी, मेरे पास तो शीट नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कि स्टक मनी क्यों बोल दिया 8 और 3 वाला, क्योंकि वो करते करते प्रैक्टिस करते करते हैबिट हो जाएगी, आप खुद सॉफ्टवेयर बन जाएंगे, आपको अलग से सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक तो लाइक है? हमें सॉफ्टवेयर जरूरी नहीं है, राइट? नहीं है, एकदम नहीं है, सिर्फ वो कैलकुलेशन टोटल वाला, जल्दी से बैठ के मैनुअल टोटल ना करके सीधा सॉफ्टवेयर में डाला इसका टोटल कितना है, ये है, तो वो एक आता है एंड्रॉइड में फ्री में, वो वाला आप रख सकते हैं। ठीक है सर, तो इसके बारे में आप बताओगे ना, कैसा लाइक सॉफ्टवेयर के बारे में? जो? हाँ, हाँ, वो मैं बता दूंगा, ठीक है फाइन, ठीक आप वैसे बस अभी सर्च करो ना, डेट वैसे न्यूमरोलॉजी लिखो, न्यूमरोलॉजी मोबाइल न्यूमरोलॉजी सॉफ्टवेयर लिखो, आ जाएगा वो, कुछ है ही नहीं उसमें। ठीक है फाइन, ठीक है हाँ सर। हाँ बर्थ डेट और फोन नंबर दोनों 8-8 है, और किसी का 9-9 है, तो आप बताइए सुटेबल है वो क्या? अच्छा है, वो अच्छा है, अपने डेट ऑफ बर्थ में भाग्यांक मूलांक के साथ अगर मैच कर जाता है तो ठीक है, कोई और इशू नहीं। किसी का 8 और नहीं, 4 और 5 हो, तो फोन का 5 है और जन्म पांच का तो 4। बहुत अच्छा है, अगर 8 है, जन्म का 8 है और फोन का नंबर का 5 है तो अच्छा है, बिजनेस करने वालों के लिए स्पेशली वो बहुत अच्छा है। नहीं, जन्म का 4 है, वो 8-8 का तो दोनों का बताइए, वो तो आप वो दोनों ठीक बताए हैं। बर्थ का 4 है और फोन का 5 है, वो एंटी है क्या? 4 है, 5, हाँ एंटी है, वो नहीं चलेगा, तो बिल्कुल बर्थ नहीं चलेगा। डेट को तो अपने इधर उधर नहीं कर सकते हैं, फोन नंबर ही इधर उधर कर सकते हैं। हाँ फोन नंबर को बदलना पड़ेगा, और 3 और 2, 3 2 ठीक है, कंसिडर मतलब चलेगा वो, अपना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अच्छा, 4 5 नहीं चलेगा, 4 5 इज बैड है। तो ये नहीं कॉम्बिनेशन का आपने डाला था क्या सर? अच्छा अभी नहीं डाला, वो तो सीखेंगे ना कोर्स में। चलो ठीक है। ये जी 9 8 1 9 9 4 8 6 0 ये कैसा नंबर है? 86 9 8
9 9 8 9 8 1 अच्छा डबल 9 4 डबल 8 6 0। 8 8 6 0, 8 6 का कॉम्बिनेशन आ गया ना सर। ये आई अच्छा आई प्रॉब्लम लास्ट में नाइन, 0, आई आई से रिलेटेड इश्यूज देगा लास्ट में 0, प्लस थोड़ा सा ये मिसलीड भी कर देता है कई बार, गलत लास्ट डिसीजन में ले लेना। 7 2 अगर रहेगा तो 7 2 बहुत पेनफुल है, इट्स लाइक आपका बॉडी पेन देता है, और दूसरा जो है आप किसी चीज में बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग में फंस जाते हैं। तो लास्ट यस में 6 डबल 7 2 भी है, 7 2 और 6 0 है, तो दोनों अरे कोई काम का नहीं है ना। कोई काम का नहीं है एकदम, नहीं बाप रे बाप, वो सब बेकार की चीज है, टाइम वेस्ट करवाएगा आपका, और भी इसमें दोनों का दोनों नंबर टाइम वेस्ट करवाएगा। आप देखो अल्टीमेटली डिसीजन नहीं ले पाओगे, सोचोगे बहुत कुछ, लेकिन अल्टीमेटली आके बोले फिर यार क्या करूं, करूं या ना करूं, इसी में पड़े रहेंगे आप। ऐसे ही होता ओके ना, ऐसे ही होता ना आपका बराबर। लास्ट मोमेंट में भी आप डिसाइड नहीं कर पाते। ये एंटी एंटी नंबर्स है, ये एनर्जीज वो ना, सारी एनर्जीज एक दूसरे को क्लैश कर रही होती है, इसलिए हम क्लियर नहीं हो पाते चीजों में। क्लैरिटी क्लियरिटी नहीं आता। नहीं, ठीक है, तो आज फिर आपका का कोर्स जो हो रहा है वो कौन से तारीख से हो रहा है और कब से कब तक का टाइमिंग ये रहेगा कोर्स, हाँ उनका? मैं वही बता रहा हूँ, ये जो कोर्स है ये वेडनेसडे एंड फ्राइडे को होगा। आपको रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल मिलेगा, और पीडीएफ के मामले में ऐसा है कि आप लोग क्लास में आइए, मैं नोट्स लिखवाऊंगा, आपको लिखना है। लास्ट में कोर्स जब एंड होगा, एक सुंदर सा आपको शीट मिलेगा, मतलब एक्सेल शीट मिलेगा, जिसके अंदर सारी चीजें बहुत सिंक्रोनाइज तरीके से लिखी होंगी, और आपको याद करने में इजी रहेगा। ठीक है, लेकिन क्लास अटेंड करो, क्योंकि वो बहुत जरूरी है, क्योंकि एनर्जीज को ही समझना है, सारे नंबर्स की कॉम्बिनेशन और उनके एनर्जीज को समझना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप लास्ट में जाकर सिर्फ वही शीट लेकर बैठ गए, हो गया, ऐसा नहीं, आना जरूर, कोर्स करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वेनेसडे और फ्राइडे बोला ना आपने, यस, वेडनेसडे एंड फ्राइडेज 2 से 5 है, लेकिन वो अभी देखते, चेंज भी हो सकता है। अगर आप उस टाइम पर अटेंड नहीं कर सकते हैं तो रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी आप, और रिकॉर्डिंग्स में जैसे अगर आप लोग रिकॉर्डिंग्स देखते हैं और कोई सवाल पूछना रहता है क्वेश्चन, तो आप लोग पहले लिख लिया कीजिए, ठीक है, ताकि जो है अगर लिख ले, लिखने के बाद मुझे जो ग्रुप में मैसेज में डाल दें तो मैं आंसर कर दूंगा, उसमें कोई कोई इशू नहीं है। हाँ, कि ऐसा नहीं कि लाइव नहीं पढ़ रहे तो आपको आपका डाउट क्लियर नहीं होगा, क्या आप फीस लिख क्या दें। होगी इसका, ये कोर्स का, कोर्स एक मिनट रुक जाओ, का ये कोर्स फीस? की फीस जो है वो 1999 क्या, पहले 2999 था, अब हम थोड़ा सा डिस्काउंट करके 1999 कर रहे हैं, मतलब 1999 रुपये। ठीक है, हाँ, और ये 1 मंथ का कोर्स है, 1 मंथ में हम लोग टोटल 8 क्लासेस करेंगे। ठीक है, 8 क्लासेस में भी टोटल जो है 6 क्लासेस में ऑलमोस्ट कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, बाकी के 2 क्लासेस में हम सब सब लोगों के नंबर का कॉम्बिनेशन, और उनके मतलब इसको कहते हैं प्रैक्टिकल जो पढ़ना, कि उनके लाइफ में क्या क्या चीज़ें हुई, जैसे मैं आप लोगों के उसको मोबाइल नंबर को देखकर आपके प्रॉब्लम्स को बता रहा हूँ कि आपके साथ ये प्रॉब्लम, वो सारी बातें उसमें डिस्कस करेंगे, जो पढ़ा उसको अप्लाई करेंगे लास्ट के 2 क्लासेस। ठीक है, इस तरह से हो। और नंबर भी सजेस्ट करेंगे। बिल्कुल सर, वो तो पार्ट है, ये तो करना ही है इसीलिए तो पढ़ रहे हैं कि नंबर सजेस्ट करना है। मेन ऑब्जेक्टिव हाँ, मेन ऑब्जेक्टिव ही तो वही है कि आपकी लाइफ को ठीक करें। सर, इसके थ्रू जैसे मोबाइल नंबर के थ्रू हम किसी व्यक्ति को जैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं ना कि क्या गड़बड़ी, जैसे अभी आप बता दे रहे हैं ना इजीली मोबाइल से ही, कितना इजीली आप बता दे रहे, तो वो भी हम उसको ऑब्जर्व करने का आएगा अगर यस हम, यस, आएगा है ना, ना, तभी तो कॉम्बिनेशन पढ़ना है, इसलिए तो वो मैं क्योंकि आप, लास्ट में जो हाँ आप इजीली हाँ बता दे रहे हैं ना कि ये हो रहा है ये हो रहा है, ये मुझे हाँ बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, मतलब हाँ हाँ जैसे कोई कोई सा भी आप उसमें ये चीज बड़े अच्छे से इजीली बता दे रहे हैं कि ऐसा है ऐसा है, तो वही ना, हम मतलब प्रैक्टिस प्रैक्टिस, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितना आप चीजों को, नंबर्स के एनर्जीज को समझेंगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, लोगों के फोन नंबर को चेक करेंगे, देखो सबसे आसान है, आपके फोन में ही फोन नंबर है सबका, है ना, तो जी शुरू करो सबसे पहले अपने बड़े भाई से, उन भाभी से, बच्चों हाँ से, सर, सबका हाँ देखना सर, चालू करो, यही तो सीख है वही यार, सबसे फास्टेस्ट लर्निंग प्रोसेस, क्योंकि हमारे फोन में ही सारे नंबर है। जी आप सर, पढ़ लो और अपने फोन के नंबर का सारा फोन नंबर निकालो, और सबके लाइफ के बारे में डिफाइन करो, फोन करके बोलो भाई तेरे लाइफ में ये चल रहा है क्या, तेरे लाइफ में ये चल रहा है क्या, यही तो करना है।
सीखना तो यहीं से, मैं तो आपको पढ़ा दूंगा थ्योरी, प्रैक्टिकल आप अप्लाई करोगे अपने लाइफ में, राइट। जी सर, और जी ये सर, वो पढ़ाई है जो कन्वेंशनल पढ़ाई जो हमें अंग्रेजों ने सिखाया उससे बहुत अलग है, टू द पॉइंट पढ़ने वाली बात है, कि हम इतना पढ़ेंगे तो काम होगा। थैंक यू विनीता जी, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड, थैंक यू सो मच। चलें आज रखते हैं फिर, 4:30 बज थैंक यू सो मच सर, आज तो गए। आपने गागर में सागर भर दिया, बहुत सुंदर। चलो थैंक यू सर, बहुत वैसे ज्यादा, तो हाँ ऑलवेज मोस्ट वेलकम, ग्रेटफुल रहते हैं थैंक मैं यू तो आपकी थैंक हर हर यू कोशिश थैंक में। यू सो मच सर, थैंक यू। सर आपका समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। मैं एक्चुअली थोड़ा लेट जुड़ी थी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, फिर मेरे मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई, पर दोबारा चार्ज अच्छा। करके अभी आएगी, शायद क्लास चल रही होगी। मैं हाँ भी एक हाँ और करना चाहूंगी सर, मैं हिप्नोथेरेपिस्ट और पीएलआर थेरेपिस्ट वगैरह हूँ, अच्छा, और हाँ मुझे मोबाइल तो नंबरोलॉजी आपके से भी लिए रिपोर्ट। तो बहुत जरूरी है मैडम, मतलब आपके लिए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट है ये। इसके बिना जो जिस लेवल का आपको, देखो क्या होना, हम जितने भी हीलर्स वाले, जिस हीलिंग मोडेलिटी में जितने लोग हैं ना, हमें जब तक सर मैं कस्टमर देखी नहीं, हाँ हाँ तो जब तक हम, हमारे पास कस्टमर नहीं आएंगे तो हमने अपना हीलिंग कहाँ दिया, किसको दिया? वो तो फिर वही एनर्जीज पड़ी की पड़ी रह जाएंगे, जो कहते हैं ना, जब जिसका यूज नहीं होता तो वेस्ट होता है वो, इसलिए यूज जी करना है, सर, और जितना यूज करने के लिए हमें लोग चाहिए, लोग चाहिए, तो इसलिए मोबाइल को चेंज करो, बेटर अच्छा वाला मोबाइल नंबर लो, ओके सर, थैंक ठीक है? यू सो मच। हाँ कौन? एक मिनट, लाइक शिफा दिस साइड, अच्छा हाँ बोलिए। सो लाइक सर एक बार कोर्स कंटेंट आप मतलब अभी बता सकते हैं, सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि क्या कोर्स कवर होगा। कंटेंट और में देखो, कोर्स कंटेंट में क्या क्या कवर होगा, आपका डेट ऑफ बर्थ, मूलांक, भाग्यांक, एक नंबर वो तो है ही, उसके साथ मोबाइल नंबर का टोटल, उसके साथ सारे नंबर्स की जो एनर्जी है, जैसे आज मैंने बताया कि 1 is for sun, से 2 is for moon, ठीक है? तो ये सब बातें फिर से रिपीट होगी उन लोगों के लिए जिनको बेसिक कुछ नहीं पता, कुछ नहीं, नथिंग, नंबर्स की क्या वैल्यूज है, वो नंबर हमारी लाइफ में कितना ऐड कर रही है, ठीक है? उस एनर्जीज के साथ जब हम, जो हम पेयर, मैंने अभी बताया पेयर को समझेंगे, तो पेयर इज ऑल अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ द एनर्जीज, जो प्लैनेट्स की एनर्जीज एक दूसरे के साथ मिलके कौन सी एनर्जी बनाती है, उसी चीज को ही पढ़ना मेन, सबसे इम्पोर्टेंट वही है कि जब दो एनर्जीज अलग अलग मिलती हैं तो कौन सी नई एनर्जी बनती है, वो क्या वो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है या फिर वो कंस्ट्रक्टिव एनर्जी है, तो इसी पे हमें काम करना है, हमें अपने मोबाइल नंबर में कंस्ट्रक्टिव एनर्जी चाहिए, डिस्ट्रक्टिव एनर्जी नहीं चाहिए, राइट? और ओके एंड ऑफ द वो ये अपना कोर्स जो है, आपको सब कुछ मिल ही रहा है पूरा, इसको कहते हैं ना जूस बना के, जूस बना के प्योर जूस मिलने वाला है, ठीक है? सो लाइक सर व्हाट विल बी द फीस, बेसिकली व्हाट विल बी द फीस। 1999, 1,999 रुपये। अच्छा सर, मान लीजिए कि मैं आपसे डायरेक्ट अभी इमीडिएटली कंसल्ट करना चाहता हूँ, तो हाउ विल दिस यू चार्ज, प्रोवाइड मी द नंबर कंसीडरिंग माय रिक्वायरमेंट्स एंड एवरीथिंग। देखिए, मैं सिर्फ अगर कंसल्ट की बात करें तो कंसल्टेशन, मोबाइल करेक्शन कंसल्टेशन का मैं 3,000 लेता हूँ, और जो आप वोडाफोन स्टोर आपके पास है तो आप खुद जाकर ले सकते हैं, सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि उसमें होता यह है कि आप अपना खुद जाकर आधार कार्ड और अपना फेस देकर फोटो लेते हैं, ठीक है? अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो मेरे यहाँ पर जो वेंडर है उनसे बात करके मैं दिलवाता हूँ, वो उसका अलग से 5,000 लगता है, ठीक? दो ऑप्शन है, आप अपने से अपने अपने आपके पास अगर टाइम है तो आप वहां बैठ के कर लीजिए, अगर टाइम नहीं है तो मुझे बता दीजिए, मैं वेंडर को बोल के निकलवाऊंगा ये। उसके लिए हम आपसे फोन पे बात करें या पर्सनली आके मिले। फोन में बात कीजिए, पर्सनली आने की क्या जरूरत है, अभी सब तो ऑनलाइन है आप। वो तो ठीक है, पर हाँ आमने सामने सर, बैठे होना तो बड़ी सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि काउंटर क्वेश्चंस में निकल के आती है। तो सर आपको कोलकाता आना पड़ेगा ना फिर, ओहो अच्छा, अभी मैं दिल्ली में नहीं हूँ, कोलकाता में, ओके इसीलिए इसीलिए मैंने ऑनलाइन बोला। ओके। आई एम फ्रॉम कोलकाता, क्या क्या फिर से पूछे? आप कहाँ है कोलकाता में, बिकॉज इवन आई एम इन कोलकाता। कोलकाता में दमदम नॉर्थ, दमदम बिराटी, नो इट्स टू फार देन फ्रॉम शिवपुर। हाँ बहुत है, शिवपुर तो हावड़ा में आता है, हाँ बहुत दूर है तब तो। बहुत दूर। सो लाइक वी हैव अ ऑफिस ओवर देयर। हाँ मेरा पर्सनल ऑफिस है, बट ओके अपना अपना ओके ओके गुरुजी ज्ञान का ऑफिस दिल्ली में, दिल्ली कैंट, जी, ठीक है? ट्रेवलिंग ओवर देयर ऑल्सो।
हाँ मैं हर 3 महीने 4 महीने में जाता हूँ वहां पे। वहां के कुछ क्लाइंट्स अगर जैसे उनको अगर वो वेट करते हैं कि सर ठीक है आप आओ आपसे मुझे फर्स्ट फर्स्ट फेस टू फेस मिलना है तो फिर मैं वहीं पर आने के लिए बोलता ओके फाइन ओके ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद सबको। थैंक यू सर, हाँ थैंक थैंक यू, यू ओके सर। सर, स्टार्टिंग सर, थैंक यू सर। ओके सर, क्या 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 फिर से पूछे। कब स्टार्ट होगी, लाइक व्हाट इज द स्टार्ट डेट? स्टार्टिंग डेट देखो नेक्स्ट, अगर आज अगर एनरोल्स बहुत अच्छा हो गया, सबने एनरोल कर लिया तो फ्राइडे को, परसों अगर एनरोलमेंट थोड़ा सा लेट हो रहा है तो फिर हम नेक्स्ट वेडनेसडे को चालू कर देंगे। ठीक है ठीक है चल, या थैंक यू, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, थैंक थैंक यू, थैंक यू, यू। थैंक यू।